तो आज क्या विषय है? जाती है शीतलाष्टमी। जी। तो ये तो शीतलाष्टमी कल से मनेगी ना? जी कल से मनाई जाएगी आज शीतलाष्टमी। तैयारियां हो चुकी हैं तो खाना बना लिया गया है और सुबह प्रसाद क्या चढ़ाने सब क्या करते हो भाई शीतलाष्टमी को? तुम्हारे पता तो चले हमको। गुल्ले पकोड़े बनाते हैं और गुलगुले गुल्ले समझते हैं गुलगुले मीठी पकोड़ी टाइप से और पूड़िया सब्जी होती है आलू की सब्जी और पूड़ी बनती है स्पेशली अच्छा, आलू की सब्जी पूड़ी और क्या बनता है? ये हमारे तो घर बसोड़ा में यही क्या होता बनती है? है। बसोड़ा किसको कहते हैं? गुजरात वाला कोई है? गुजरात मैं वाले कुछ बता सकते हैं? बताता हूँ गुलदेव ये बासोड़ा हंसी जान पर उसको बासोड़ा को तरह जो होता है कि जो खाना जैसे नहीं बोलते क्या खराब हो गया पुराना ठंडा खाना हो गया ठंडा खाना करके से तो जो कल कुछ नहीं, भोग लगेगा बासा ठंडा हो रहा या बासा होना, दोनों चीजें अलग है ना? अलग है पर इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं जाता कि अपन सुबह जब पूजा करने जाते हैं तो घर के अंदर ताजा कुछ भी नहीं बनेगा। आज शाम को जो बना लिया गया है वही खाने का भोग पर चढ़ाएंगे शीतला जी को और फिर सब ग्रहण प्रसाद बना ग्रहण कर लेंगे। तो मतलब एक तरीके से खाना पहली रात को बन गया या तो सुबह तक वो ठंडा ठंडा ही है बासा नहीं है परंतु बासा ही कैटेगरी अच्छा, में है। मुझे जो है इतने दिन हो गए, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कल मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी आज हमने रात को भोजन बनाया है और कल हम उसको खाएंगे, जबकि मैं हमेशा मना करता हूं कि बासी भोजन नहीं खाना है, क्योंकि जी भगवत गीता में जो वर्णन आता है, जी गुरुदेव 17वां अध्याय का 10वां श्लोक, जी इसमें आता है यातयामम गतरसम, यानी जो यातयामम माने जो अधपका हो, जो पूरी तरीके से ठीक से पका न हो, जी गतरसम माने जिसमें रस न हो, पूति मतलब जो दुर्गंधि युक्त हो, और पर्युषितम यानी जो जिसको पकाने के बाद एक रात हो गई हो, मतलब जो बासी हो गया हो, जिसको पर्युषितम चयत। जी उच्चिष्टम अपि चामेत्या, और जो झूठा हो, मतलब किसी ने भोजन कर लिया फिर उसका झूठा भोजन हो गया, और चामेत्या मतलब जो यज्ञ के लिए योग्य न हो, जैसे मांस आदि, जी मांस मदिरा अंडा आदि तामस जो यज्ञ के योग्य नहीं है। चामेध्यम भोजनम जी तामस प्रियम, ये तामसी लोग होते हैं, इनको यहाँ पर कहा गया है कि ये भोज जो है तामसी लोगों को भोजन प्रिय होता है, और ये भोजन तमस उत्पन्न करता है जो कि अज्ञानता का कारण बनता है। जी और दूसरा भोजन आता है राजसी भोजन, तो कटु कटु कटव अम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः, और आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक आमय प्रदा। जैसे जी कड़वा हो, मतलब अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति गरम, ठीक है, अति तीखा, अति रूखा और अति दाहकारक आहार, ये राजसी लोगों को प्रिय होता है कि नहीं, अब गरम गरम होना चाहिए भोजन, बहुत जैसे जीभ जलने वाली हो, खट्टा होना चाहिए, जी तीखा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, ये जो है भोजन राजसी लोगों को प्रिय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भोजन दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक माने दुख शोक और आमय आमय करते रोगों को उत्पन्न जी करने वाला होता है। और सात्विक जो होते हैं, ये आप 17वां अध्याय, अब इसमें कोई अगर देखना भी चाहे तो भगवद गीता का आप वो 17वां अध्याय 8वां 9वां 10वां श्लोक पढ़े। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु बढ़ाने वाला, सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये बढ़ाने वाले जो आहार होता है वो कैसा होता है? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय, ये सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। तो राजसी जो आहार होता है वो दुख का कारण बनता है, ये भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता का वचन है। हमारे धर्म, हमारा सबसे मुख्य धर्म ग्रंथ किसको मानेंगे हम लोग?
भगवत भगवत गीता गीता पर, हम लोग भगवत गीता पर ही शपथ लेकर बोलते, तो भगवत गीता की वाणी हमारे लिए अंतिम वाणी, भगवान की वाणी है, औरों की बात नहीं होती। राजसी और दुख उत्पन्न करने वाला, शोक उत्पन्न करने वाला, रोग उत्पन्न करने वाला ये आहार होता है, और बासी आहार तामसी होता है जो अज्ञानता का कारण होता है। तो शीतलाष्टमी को बासी आहार खाना पड़ता है, ये बात मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने कल मुझे पता चला, आज तक मुझे शीतलाष्टमी के इस व्रत के बारे में कुछ पता नहीं था, तब मैंने सोचा कि आज इसको लाइव में लेते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई ये बसोड़ा क्या है। किसी ने कहा कि हम लोग इधर बसोड़ा मनाते हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है हरियाणा वगैरह ठीक है, तो बसोड़ा कहते उसको, बसोड़ा मतलब। मैंने कहा अच्छा ठीक है, शीतला माता का तो भाई हमें वर्णन पता है कि शीतला माता एक उपदेवता है, शास्त्रों में भी उनका वर्णन आता है, चेचक आदि रोग होता है तो उनकी पूजा की जाती है। लेकिन शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है ये आम जनमानस को पता नहीं। अधिकांश लोग जो है सुनी सुनाई कथा पर आधारित ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ज्यादातर शीतला माता का नाम लेते से लोग डरते हैं कि भाई शीतला माता अगर कुपित हो गई तो चेचक का रोग हो जाएगा, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, घर में जो है मतलब चेचक की बीमारी फैल जाएगी, ऐसा भय जो है लोगों के मन में है, और इसी भय के कारण शीतला माता की उपासना भी करते हैं। कई लोग तो अब तो दुर्गा जी की, काली जी की, भगवती पिताम्बरा की, महालक्ष्मी की उपासना, इन सब की उपासना छोड़कर, इनके मंदिर बनाना छोड़कर अब शीतला माता के ही मंदिर बनाने लगे हैं। क्योंकि हम लोगों सप्तमी को हमको पूजा करना पड़ता है तो हम शीतला माता को ही बैठाएंगे। हम कहा ठीक है भाई अच्छी बात है। अब बात आती है कि शीतला माता के जो पूजा का जो विधान, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा तो तुमने जो बताया ना कि बासी भोजन क्या कराया जाता है, ये बासी भोजन बनाते हैं, फिर वो रात को भगवती भोग लगता है और सुबह हम लोग उसको प्रसाद रूप में खाते हैं। तो मैंने कहा कि बासी भोजन खाना तो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित है, ये कौन से मतलब जो है विधान आ गया कथा का। तो बाद में मुझे ये पता चला कि इंटरनेट पे सर्च मारा तो ज्यादातर यही सब कथाएं बता रहे लोग कि कोई एक राजा था, एक काछी पुत्र था, काछी पुत्र ने जो है उसके घर में चेचक हो गई तो उसने फिर वो छोक नहीं लगाया, बासी भोजन बनाया और फिर वो दूसरे दिन उसको भोजन किया, उसने बासी भोजन किया तो वो ठीक हो गया। एक राजा यज्ञ कर रहा था, भगवती की आराधना कर रहा था और उस समय पूड़ी पकौड़ी भी बन रही थी, उस दिन शीतलाष्टमी थी, तो उसके लड़के को चेचक हो गया, कोई बीमारियां ठीक नहीं होने लगी। मतलब एक यज्ञ करने वाला राजा, भगवती की आराधना करने वाला राजा बीमार हो गया और वो बासी खाने वाला व्यक्ति जो है वो ठीक हो गया। मैंने बड़ा आश्चर्य बात है, यहाँ दो चीजें। फिर मैंने देखा किस राजा का वर्णन, तो बोले राजा के नाम का पता ही नहीं, कौन राजा था, कहाँ का राजा था, कुछ पता नहीं, कौन से ग्रंथ में है वो भी पता नहीं है, किसने कथा बनाई। मैं समझ गया ये कथा बिल्कुल वैसी ही है जैसे संतोषी माता की कथा है। समाज को धर्म के नाम पर ना, धर्म जो होता है वो श्रद्धा के लिए होता है, लेकिन ये जो धर्म के प्रति, व्रतों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति समाज में प्रेम कम है। विश्वास, आस्था, श्रद्धा, प्रेम ये होना चाहिए भगवान के प्रति, देवी देवता के प्रति, ये नहीं, ये इसकी मात्रा कम है देवी देवताओं के प्रति। धर्म के प्रति डर बहुत है, भय भय मन बैठा दिया, देवी को नहीं पूजा तो भैया तेरे घर में ऐसा प्रकोप आ जाएगा। अभी संयोग से मैं थोड़ा सा ये इंस्टाग्राम खोल रहा तो एक दो चार त्रिपुंड लगा के, लंबा तिलक लगा के डरा रहे लोगों को कि भैया शीतला अष्टमी का दिन व्रत नहीं करेंगे, बासी भोजन नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे घर में। ये तो मुझे साक्षात राहु केतु और कलयुग के दूत लगते हैं ये लोग। लोगों को डराया जाता है धर्म के नाम पर। राहु केतु मतलब नव ग्रहों में राहु और केतु ही का ही नाम लेंगे, राहु केतु, शनि राहु केतु, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र, ये ग्रह है, इनका कभी कोई नाम ही नहीं लेंगे। लोगों को भयभीत करना धर्म के नाम पर, डराना देवी देवताओं के नाम पर डराना, इस प्रकार से हमारी सनातन धर्म की पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को, सनातन धर्म के अनुयायियों को अंदर से डरपोक धर्म के नाम पर, कायर और नपुंसक बना दिया इन लोगों ने। अब मैं आपको तुम्हें बताता हूं कि बासी भोजन खाना, तामसी जो भोजन करते हैं, जो घरों में रात को भोजन रखते हैं, बासी भोजन रखते घर के अंदर, वो कितने भी बड़े उपासक हो, पूजा पाठ करने वाले हो, उनके घर में प्रेत आने से कोई नहीं रोक सकता, देवी देवता वो घर छोड़ देंगे। जो व्यक्ति रात को बासी भोजन करता है, मतलब जैसे सुबह रात का बासी भोजन करेगा, तो
वो इंद्र भी होगा ना, तो वो भी भीख मांगने लग जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे घरों में अशांति आती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे ये शास्त्रों में कहा जाता है कि जो सूर्य के उदय होने पर सोया रहता है, तो यदि अगर वो ऐसे व्यक्ति अगर विष्णु भी हो तो उसको लक्ष्मी छोड़ के चले जाती है, ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन आता है। अब मैं वो सब आपको कवि श्लोक सहित सुना दूंगा कि बासी भोजन, देखिए भगवद गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये कहा गया कि ये तामसी लोगों को प्रिय होता है। अब तामसी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर प्रेतान भूत गणाशा ने यजंती तामसी जनाहा, ये भी भगवदगीता में कहा है। ये तामसी लोग की मनोवृत्ति तामसी बनने के कारण धीरे धीरे ये प्रेतों को पूजने लग जाते इनडायरेक्टली। तामसी आहार रखोगे घर में, तामसी और बासा भोजन अगर घर में सड़ रहा हो तो देवता आकर्षित होकर, देवता नहीं आएंगे, अगल बगल के आसपास के जितने प्रेत होंगे ना वो घर की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि गंदा बासा इन सब चीजों के प्रति नकारात्मक प्रेत तितव ये सब आकर्षित होते हैं। कई महिलाएं ऐसी मूर्खतावश क्या करती है, आटा बना देती है और वही जब रोटी आधा बना दिया दूसरा दूसरे दिन के लिए छोड़ देती है फ्रिज के अंदर बंद करके। इसलिए ऐसे घरों में अधिकांश लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हो रहे हैं, घरों में नकारात्मकता आ रही है, घरों में क्लेश है, क्योंकि सात्विकता नहीं है, शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं रह गई है। अब मैं बताता हूँ शीतला अष्टमी। देखो शीतला शब्द से ही तुम समझ लो, अब शीतला अष्टमी क्यों मनाया जाता है। पहली बात तो बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, एक तो ये धर्मशास्त्र कहता है, भगवद गीता कहती है, ठीक है, पहला बिंदु। तो दूसरा बात यह है कि शीतला अष्टमी मनाने के पीछे रहस्य क्या है, शीतला माता है कौन अंत में, शीतला है वास्तविक शीतला जो भगवती है, इसका कौन से धर्म ग्रंथों में वर्णन, शीतला माता है क्या, मैं वो बताता हूं। हम लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं इस समय, तो ये यहां पर यहां से शीतल जो है, शीतल का शीतकाल है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, और कौन सा काल शुरू हो जाता है, गर्मी का काल आरंभ हो जाता है। तो शास्त्र के अनुसार जो हम शीतला, शीतला शब्द से समझ लो, शीतला माता से समझ लो, शीतल शीतल माने ठंडा, ठंडा ठीक है, जी तो ठंडी चीज खाना चाहिए, ठंडी चीज और बासी चीज में अंतर है, पहली बात समझ लेना। जी तो शीतला मतलब भगवती की, जो यहां से होली का दहन के बाद हमारा जो कफ है वो पिघल जाता है, हमारी जो प्रकृति है गर्मी के कारण बदल जाती है, और इस समय यदि हम लोग गर्म आहार करेंगे, तला हुआ खाएंगे, खट्टा मीठा खाएंगे, तो पित्त प्रकोपित हो जाएगा, क्योंकि गर्मी और पित्त दोनों का मिलने से रक्त पित्त की बीमारी हो जाती है, पित्त कुपित हो जाता है, पित्त जनित बीमारियां होती है उस दिन। अगर आप, अब ऐसा नहीं कि शीतला अष्टमी को आप ठंडा भोजन करो और बाकी दिन पूरी तल तल के खाओ, ऐसा नहीं है। गर्मी के दिनों में आहार अलग खाना चाहिए, शीतकाल का आहार अलग होता है। ये जो अभी गर्मी का दिन आरंभ हो रहे तो इसका आहार अलग होगा, और उसके बाद वर्षा काल का जो है आहार अलग होता है। उस काल में जैसे फल भी अलग होते हैं, वर्षा काल में जैसे मान लो जामुन हो जाता है, आम हो जाता है, वो खाना चाहिए। तो प्रत्येक ऋतु काल का, आप एक निरोगधाम पत्रिका आती है, इंदौर से ही छपती है, वहां मध्य प्रदेश इंदौर से एक प्राचीन निरोगधाम पत्रिका आती है, इंटरनेट पर सर्च करना। उस पत्रिका में बराबर हमारे छह, जो छह उसमें जो मुख्य रूप से 6 माह माने जाते और 6 ऋतु है, तो दो दो महीने का एक एक ऋतु के साथ में, 6 ऋतु के हिसाब से दो दो महीना जोड़कर, ये ग्रीष्म काल, ऋतु काल, बसंत काल, शरद काल, हेमंत ऋतु, ये सारे नियम बनाए गए, और उस काल का अलग अलग भोजन तय होता है। तो ये संकेत होता है कि शीतला अष्टमी के दिन से आपको, अब गर्मी आने वाली है तो आपको शीतल आहार करना चाहिए, ये संकेत देने के लिए ये शीतला अष्टमी का व्रत होता है। अब शीतल आहार में क्या क्या आता है, जैसे नींबू का रस हो गया, नींबू जो शरबत जिसको कहते हैं हम लोग, नींबू और मिश्री, मिश्री शीतल होती है, चीनी गर्म होती है। मिश्री जैसे पित्त, अगर पित्त किसी को पित्त कुपित हो जाए तो मिश्री उसको अगर वो चूस लेगा तो पित्त शांत हो जाता है। ये जितने भी फोड़े, फुंसी, चेचक, रक्त की जितनी बीमारियां होती है वो पित्त कुपित होने के कारण होती है। पित्त कुपित होकर गर्मी के प्रभाव से पित्त कुपित होता है, और वो रक्त में जब मिल जाता है तो ये
फोड़े फुंसी आदि जो बीमारियां उत्पन्न होती है, इसीलिए आपको शीतल आहार करना चाहिए। ये इस शीतलाष्टमी से आपको एक संकेत देने के लिए ये शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और ये समझ में आता है, शीतला शीतला नाम से ही समझ जाओ ना, उसको कोई बासी माता तो नहीं शास्त्र में लिखा है, उसको शीतला माता कहा गया है ना उसको, तो शीतला माता होने के कारण इसी दिन से शीतल आहार करना चाहिए। शीतल आहार में जैसे छाछ हो गया, दही चावल हो गया, दही चावल खाने से भी अगर आप दही और चावल खाते हैं साथ में मिक्स करते हो, थोड़ा सा मिश्री ऊपर से मिला दो, दही भी जो है खट्टी नहीं खानी चाहिए, दही में थोड़ा कुछ मिलाना चाहिए। दही को आयुर्वेद में अभिषंधि माना गया है, दही ऐसी एक पदार्थ है अगर आप खा लो ये बहुत भारी होता है, रात्रि काल में नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि शत्रु को भी रात्रि काल में दही नहीं खिलाई जाती है, आयुर्वेद में लिखा है, मैं अपने घर, ये कोई टोना टोटके वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ये लाल किताब वाला टोटका नहीं है, ये आयुर्वेद का रहस्य है। आयुर्वेद में दही को अभिषंधि माना जाता है, ये पचने में भारी होती है, और यदि किसी रात में अगर कोई दही खा लिया पचा नहीं तो वो उसके जो नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न होकर उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसलिए शास्त्र में दही वर्जित होती है क्योंकि वो अभिषंधि है। एकमात्र दही ऐसा पदार्थ जो अभिषंधि, बाकी कोई पदार्थ अभिषंधि नहीं होता। खोज के देख लो अभिषंधि शब्द, तुम लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है, खोज के देख लो इंटरनेट में भी खोज लो। हाँ, तो दही जो है ये शरीर के लिए, जैसे कहते ना बाहर जाते हैं तो हम लोगों की परंपरा हुआ करते थे कि अब जब बाहर जाओगे तो मीठा दही थोड़ा सा मिश्री मिला के, देखो भगवत भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री खिलाई जाती थी, चीनी नहीं होता था, खांड है, मिश्री है, ये सब चीनी तो सब अंग्रेजों का देन आ गई, चीनी तो जहर की तरह, उसमें केमिकल्स, उसमें सफाई में केमिकल्स का प्रयोग होता है, इसलिए वो नुकसानदायक होती है। खांड मिश्री शुद्ध चीज है, मिश्री ठंडक ठंडक उत्पन्न करती है, तो आप दही में मिलाकर, आप लोग बाहर घर गर्मी में जाते थे तो लोग एक कटोरी में थोड़ा मिश्री में दही में देकर, चलो बेटा थोड़ा दही जी, गर्मी दही इतनी पौष्टिकता देती है कि आप अगर सुबह दही खाओ तो आपको भूख नहीं लगेगी जी। दही की विशेषता होती है और शरीर में किसी प्रकार का चक्कर नहीं आएगा, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, इसलिए दही होता है। दही जो होता है ये पित्त को शांत करता है, अगर मिश्री मिलाकर खाएंगे तो, दही खट्टी अगर होगी तो पित्त को कुपित कर सकती है। तो ये आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर ये हमारे व्रत परंपराएं बनाई गई थी, जैसे ठंडी में जितने भी व्रत होते हैं वो सब खाने वाले हैं, जैसे कि हम लोग ये आता है दीपावली आती है खूब बना कर खाओ, और वो जो है जनवरी माह में मकर संक्रांति तिल गुड़ और दुनिया भर के पदार्थ बनाकर खाओ, वो ठंडी काल के जितने भी व्रत होते वो खाने वाले जी। और गर्मी में जितने व्रत होते हैं वो आपको बना दिया कि भाई कम से कम आपको पित्त कुपित न हो, ध्यान में रहते हो व्रत ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और जो बरसात का जो होता है वो चातुर्मास होता है, भैया तुम चारों महीने बिल्कुल नहीं एकदम व्रत में रहना है, संभल के रहना, क्यों, क्योंकि जैसे ही खाया कि दस्त लगेगा। ठंडी के दिनों में आपको कितना भी खाओ सब पच जाता है, गर्मी में आप बरसात में खाओ तो थोड़ा सा भी खाते सही तुरंत ही गुड़गुड़ हो जाता है पेट में और दस्त लग जाते हैं, क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर होती है। तो ऋतु अनुसार जो है आहार विधान बनाया गया है, वो आहार का विज्ञान पर्वों के साथ जोड़ दिया और देवी देवताओं को उसका प्रतीक बना दिया गया, इसलिए उसमें शीतला माता का वर्णन आता है। तो शीतला माता को शीतल आहार देना चाहिए और शीतल अष्टमी से, शीतला अष्टमी से शीतल पदार्थ खाओगे तो आपको ये संकेत देना, इस अष्टमी के माध्यम से संकेत दे रहा है, तो आपको किसी प्रकार के चेचक आदि बीमारियां नहीं होगी। ऐसे ही शीतला अष्टमी, शीतला माता के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है नीम के पत्ते, है ना, किसी को शीतला हो जाता, रोग हो जाता तो नीम के पत्ते खिलाए, उस पर सुलाया जाता है, नीम के पत्ते खिलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो फोड़े फुंसी होते हैं, जो रक्त पित्त होता है, रक्त में जो दोष उत्पन्न होता है, तो रक्त नीम जो है ये रक्त शोधक माना गया आयुर्वेद में, नीम से ज्यादा कोई रक्त शोधक है ही नहीं है, इसलिए दातुन करने वाले जो होते कीड़े मर जाएंगे शरीर के अंदर, कभी उसके ब्लड की बीमारियां नहीं होगी। पहले डायबिटीज किसको होती थी बताओ, जो दातुन करते थे नीम के दातुन करने वाले को कभी डायबिटीज नहीं हुई होगी, जामुन खाने वाले को नीम का दातुन, दातुन में नीम का दातुन, जामुन का दातुन, अमरुद का दातुन ये हुआ करता था,
तो डायबिटीज होगी नहीं। तो ये एक रहस्य है। तो नीम जो होता है, अभी जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आ जाएगा तो नीम की कोपली बाहर निकलती है। हमें बचपन में हमने देखा कि जब नीम की कोपली निकलती थी तो हमारे घर के लोग थोड़ा सा मसूर के 5 दाने और नीम की कुछ पत्तियां मिला के हमें देते थे वो, और हम उसको खाते थे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के, मतलब जिस दिन से हमारा ये नववर्ष आरंभ होता है। तो ये क्यों खिलाया जाता था, बाद में हमने जब इंटरनेट पर सर्च मारा तो पता चला कि भाई ये जब हमें ज्ञान हुआ इस विषय में तो समझ आया कि इससे जो है, कभी भी कभी देखना कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नीम के कोपल और प्लस थोड़ा सा मसूर के कुछ 4-5 दाने मिक्स करके खाते हैं, इससे वर्ष भर 1 वर्ष तक आपको फोड़े फुंसी और रक्त की बीमारियां नहीं होगी। ये विधान है इसके पीछे। तो शीतला अष्टमी को शीतल, शीतला अष्टमी का संबंध शीतल आहार के साथ है, बासी आहार के साथ नहीं है। लेकिन ये तामसी लोगों ने, क्योंकि क्योंकि भोजन हम तामस प्रियम, बासी भोजन तो तामसी लोगों का प्रिय होता है, तो जी तामसी लोगों को ज्यादातर भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करने वाले लोग अधिकार इधर इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। आज हमारे देश में यही हो रहा है, अधिकांश ऐसे ही देवी देवताओं को खड़ा किया जा रहा है, ऐसे देवी देवताओं को पूजने की बात आती है। अभी कहीं एक जगह पर हम गए, देखा शिव जी का मंदिर बना, बगल में किसी ने शीतला माता का मंदिर बना दिया। मैंने, भैया यहाँ पे शीतला माता का क्यों भाई, काली माता है दुर्गा और भी तो कोई हो सकती थी। बोली नहीं, इनको सप्तमी में शीतला माता पूजनी होती है। नहीं कि अरे एक ही दिन को तो पूजा करनी है शीतला माता का, तो उसके लिए क्या, और फिर बाकी वर्ष भर पर क्या है। ये तो जो शीतला देवी जो वगैरह जो देवता होती है उपदेवताओं में आते हैं, और ये आकस्मिक देवता होते हैं, विशिष्ट काल में इनकी उपासना की, जैसे चेचक हो गया तो इनकी उपासना करो। मंत्र है शास्त्रों में, शीतला माता का मंत्र होता है कि उनका मंत्र जप करने से भी चेचक आदि महामारी अगर फैलती है तो उनकी उपासना की जाती है। ये उप देवताओं में आता है, मुख्य देवताओं में नहीं आता ये, इसलिए इनकी जो है मंदिर आदि की स्थापना नहीं होती है। लेकिन हमारा जो ये पुरोहित वर्ग है, इनको तो जो कह दोगे वो तैयार हो जाते हैं स्थापना करने के लिए। ये कारण है जी, शीतला, शीतला अष्टमी को जो मनाने का जो कारण है वो ये है। और तुम्हारा आवाज कट रहा है वहां से, इंटर हरियाणा में और उधर से राजस्थान में आवाज। तो, हरियाणा और राजस्थान में तो गुरुदेव मंदिर पे मंदिर बने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा उधर से इंटरनेट चला गया शायद। मुझे ठीक लग हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शीतला अष्टमी के दिन शीतल आहार करिए। शीतला आहार आप शीतला अष्टमी से गर्मी तक, पूरे गर्मी काल में शीतल आहार करिएगा। ये ज्यादा तले हुए पूड़ी सब्जी जो है वो सब नहीं खाना, ये संकेत देने के लिए। ये शीतला अष्टमी का व्रत होता है, ये बासी भोजन, ये काछी पुत्र और ये राजा महाराजा वाली कथा, ये पूरी फर्जी कथा है, ये किसी धर्म जी। ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये लोगों को शीतला माता के नाम पर ये जितने भी ये सब राहु केतु वाले डराते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के शत्रु है। हमारे समाज को धर्म के नाम पर डराया जाता है, भयभीत किया जाता है। भगवान महाकाल के नाम पर डराए जाएंगे, भैरव जी के नाम पर डराएंगे, देवी देवताओं के नाम पर डराएंगे। नहीं, देवता नाराज हो जाएगा, भैया इनको बकरा चढ़ाओ, इनको इनको शराब चढ़ाओ। आम जनमानस को डराया जाता है, ये तामसी लोगों का फैलाया हुआ एक षड्यंत्र है। जी समझ में आया? जी गुरुदेव, हरियाणा और राजस्थान में तो गुरुदेव शीतला जी के काफी मंदिर बन गए अब तुम्हारा वहां तो से इंटरनेट लगता है, हरियाणा राजस्थान में इंटरनेट भी कुछ गड़बड़ रहता है क्या? गुरुदेव लाइव के टाइम पे ही हमेशा प्रॉब्लम करता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्र होने के नाते, पर इतना ये विषय है। ये हैं सारे प्रश्नों के उत्तर कि जो शीतलाष्टमी वाला है, तो ये बसोड़ा वगैरह जो मना रहे हैं और ये सब बासी भोजन भोजन करते हैं, आप ठंडा और बासी, मतलब बोलते ठंडा आहार खाना चाहिए। अरे ठंडा आहार खाना चाहिए तो वो तो ठीक है, लेकिन ठंडा आहार का मतलब बासी आहार होता है, ये तुमको किस गधे ने बताया, मुझे यही समझ में नहीं आता। वो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? गुरुदेव धर्म ग्रंथ इसीलिए पढ़े होते लोगों हैं की तो बुद्धि लिखा हुआ तामसी हो रही है। इसको कहते हैं तामसी बुद्धि, भगवत गीता में लिखा है तामसी बुद्धि जिनकी होती है वो अधर्म को धर्म समझते हैं।
तामसी आहार करते हैं तो तामसी बुद्धि होती है, तो उल्टी बातें समझ में आने लग जाती उनको। ये सारी समस्याएं हैं। और धर्म ग्रंथ पढ़ते गुरुदेव तो ऐसी भ्रांति होती नहीं ना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ धर्म ग्रंथ पढ़ा करो। मैं इसीलिए कहता हूँ धर्म ग्रंथ पढ़ा करो, लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है। और फिर ये अब बताओ मुझे किसी इन 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 जो जो ये सब जो लोगों को डराते रहते हैं कि तुमको तुमको शीतला माता नाराज हो जाएगी तो चेचक हो जाएगा, इनको इनको जो है पूछना चाहिए इन राहु केतु वालों को, जो राहु केतु के नाम पर जो लोगों को डराते रहते हैं, ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि भैया किस धर्म ग्रंथ में लिखा है। जनता को तो वही ना चीजों का पालन करना चाहिए जिससे जो धर्मशास्त्र में लिखा हो, जो धर्मशास्त्रोक्त है वो विषय मानो। तो देखो जो ऐसे लोगों की जो तामसी आहार करते हैं उनकी बुद्धि तामसी हो जाती है, और तामसी जब हो जाती है तो भगवद गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक है, उसमें ये भगवान कहते हैं अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, कि जो अधर्म अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, कि जो अधर्म है उसको धर्म समझते हैं। और सर्वार्थान विपरीतांश सब विपरीत उल्टी बुद्धि बुद्धि सा पार्थ तामसी, कि हे पार्थ जो सारे विषय को उल्टा समझने लग जाती है और जो अधर्म को भी धर्म समझने लग जाती है, ऐसे बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। और तामसी बुद्धि होती है जो है आहार से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो यहाँ पर रामसुद्धा जी भी इसका ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं कि तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीजों को उल्टा समझने लग जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है ये तामसी आहार करने से। और फिर आप जो है परमात्मा की जगह प्रेतों को पूजते हो, भगवान की जगह भूतों को पूजने लग जाते हैं, और देवताओं के नाम पर ये फर्जी लोग खड़े हो जाते हैं जिनको पूजना नहीं चाहिए। तो शीतला माता की उपासना उस दिन की जाती है जब चेचक आदि का रोग का प्रकोप होता है, उस समय शीतला देवी की उपासना की जाती है। उसकी उपासना पद्धति में भी मंत्र का विधान होता है और नीम आदि पत्तों का, क्योंकि नीम का जो होता है ये रोग को शरीर को अंदर जो रक्त दोष रक्त ये सारी बीमारियां रक्त से होती है। रक्त पित्त जो होता है पित्त कुपित, गर्मी के कारण जब पित्त कुपित होता है तो रक्त पित्त की बीमारी होती है। इसलिए गर्मी के काल में खट्टे तीखे तले हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, शीतल भोजन करना चाहिए, ये समझाने के लिए शीतलाष्टमी है। शीतलाष्टमी से शीतल भोजन का कारण शीतल आहार करना चाहिए, ये शीतलाष्टमी का वर्णन है। किसी ने कहा कि राजीव दीक्षित जी ने अपने अनेक जगहों पर बसोड़ा का समर्थन किया है, तो राजीव दीक्षित जी को इस विषय में जानकारी नहीं होगी ना। राजीव दीक्षित कोई धर्माचार्य थे क्या? राजीव दीक्षित कोई बहुत बड़े, ठीक है अपने क्षेत्र में ज्ञानी थे, अलग विषय में धर्म क्षेत्र में भी वो ज्ञान उनको मान लो कि भाई धर्मशास्त्र की बात है। समर्थन का समर्थन के लिए एक आधार होना चाहिए, और धर्म के क्षेत्र में किसी भी देवी देवता की उपासना करना हो तो उसके लिए धर्मशास्त्र आधार होता है। धर्म तस्मात शास्त्रम प्रमाणम, तो शास्त्र में लिखा हो ना, ये काशी पुत्र का और ये राजा की कथा को, और किस राजा का नाम है कुछ पता ही नहीं है। जितनी भी कथाएं बनी है ना ये सब ऐसे वाली, इसमें ऐसे ही होता है, एक सेठ था एक साहूकार था, एक कलावती एक लीलावती, एक राजा और एक उसका पुत्र, वो कौन राजा कहाँ का राजा कैसा राजा किस ग्रंथ से लिया कुछ पता नहीं है, ढपली बज रही और चल दिए सब लोग। तो ये सब मूर्खतापूर्ण चीजें हैं, इन सब मूर्खतापूर्ण चीजों का समर्थन नहीं करना चाहिए। समर्थन उन्हीं का करना चाहिए जो धर्म में हमें अपना धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र कहते हैं। तामसी आहार नहीं करना चाहिए, बासी आहार नहीं करना चाहिए, और यदि कोई बासी आहार करने का समर्थन करता है तो उसकी तामसी बुद्धि है। वो ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ के देख लो, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तामसी होती है, और तामसी बुद्धि का व्यक्ति अधर्मम धर्ममिति या मन्यते सा तमसा आवृतः, मन्यते तमसा आवृतः यानी जो तमस्य आवृत्त हैं ऐसे व्यक्ति अधर्मम धर्ममिति मन्यते मानते हैं।
और ऐसे लोगों की बुद्धि उल्टी हो, सर्वार्थान सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो ये जो अधर्म को धर्म मानते हैं ऐसी बुद्धि को तामसी लोग कहते हैं। तो ये तामसी होती है, ये सब बासी भोजन खाती। इसलिए यदि आपने बच्चों के साथ शत्रुता नहीं करनी है तो कभी भी माता ये भूल कर उनको तामसी आहार न कराए। तामसी आहार करने वालों को तीन चीजें फ्री में मिलती है। एक तो भूत प्रेत की बाधा, बुद्धि उनकी जड़ हो जाती है और शरीर में जो है ये आलस के कारण जो मोटापा और ऐसे जो बीमारियां होती वो स्वतः ही मिल जाती है। राजसी आहार भी नहीं खाना चाहिए, अति खट्टा, अति गर्म, अति तीखा। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में लिखा है ऐसा आहार दुख शोक आमय प्रदा, दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ये धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवद गीता में। भगवद गीता के को छोड़कर और किसी और बड़े ग्रंथ के प्रमाण देने की कोई इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता है क्या? नहीं गुरुदेव, जब भगवद गीता के अनुसार जब हमने प्रमाण दे दिया तो बात खत्म हो गई कि और समाज में गुरुदेव ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। डर बना के समाज में किस तरह से फैलाया गया है। ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया तो तो अभी सबके यही यही सामने सब है। चीजें, इसीलिए इसी को कलयुग तो कहते हैं ना, तामस बहुत रजोगुण थोरा। जी तो आप ये जो बसोड़ा आदि जो करते हैं ये सब चीजों का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, आप शीतल आहार करो। ये शीतलाष्टमी का संदेश है, इसीलिए हैं। ऐसे ही बहुत से लोग क्या करते हैं, व्रत रखते एकादशी का, और एकादशी के नाम पर फिर क्या करेंगे वो सब, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की वो मतलब रोटी, और वो पता नहीं सामा के चावल की खिचड़ी खीर, और फिर सेंधा नमक डाल के थोड़ा सा नमकीन, वो फिर ऊपर से आजकल वो सूखा मेवा को भी तल के खाने लग गए, फिर उसके बाद एक आध दर्जन केला, और फिर आलू भैंस का एक गोपाल आध 2 लीटर दूध, और फिर हो गई इनकी एकादशी पूरी। जब ऐसी ही एकादशी करना है तो भैया ऐसी एकादशी तो हर रोज आए फिर तो नॉर्मल एक दिन दिनों में में। और ये सुबह। चीज साधु संतों के बीच में भी चली गई। एक दिन मैं एक आश्रम में गया तो उन्होंने बहुत सारा सुंदर सुंदर भोजन वहां पे बना के दिया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज कोई भंडारा होगा, पता चला उस दिन तो एकादशी थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे एका जब ऐसे एकादशी हो और एकादशी के दिन ये सब खाने को मिले तो फिर तो ऐसे एकादशी तो हर रोज होनी चाहिए फिर तो। जी जी क्या है एकादशी को तुम मनाते हो भाई? एकादशी का मतलब होता है कि 10 इंद्रिया और 11वां मन, इसको कहते हैं एकादश, इसको नियंत्रण करने को एकादशी कहते हैं। जी ऐसे ही हमारे इधर एक प्रचलित व्रत है छठ। अब वो छठ पर्व जो है वास्तव में जिसको मनाते हैं वो सूर्य भगवान की सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी को भगवान सूर्य का आविर्भाव, सूर्य सप्तमी का व्रत होता है, जिसका धर्मशास्त्र में मंदार कल्प के नाम से वो एक व्रत आता है, सूर्य पुराण में दिया हुआ है। तो उसका अनुसार वो पूजन होता है, और वो पूजन जो है षष्ठी से आरंभ होता है, सप्तमी को व्रत रखते, अष्टमी को पारायण होता है, ऐसा 3 दिन का होता है व्रत। जी अब षष्ठी से आरंभ होता है तो षष्ठी को सामान्य भाषा में, इधर आम बोलचाल ग्रामीण भाषा में षष्ठी बोल नहीं जी पाते बेचारे, तो छठ बोल देते हैं। अब छठ के चक्कर में उन्होंने छठ माता बना दी। कहाँ से छठ माता है, वही कौन से धरती पे है? फिर कहेंगे कि नहीं षष्ठी माता है, षष्ठी माता का क्या संबंध है उस व्रत के साथ, वो सूर्य का व्रत में षष्ठी माता कहाँ से आ गई? ऐसी करवा चौथ, वो भी चौथ माता बना दी इन्होंने। कहानी भी और बना करवा दी। मतलब एक करवा पूर्वा को, एक होता है पूर्वा, इधर हमारे इधर क्षेत्र बिहार के पास में एक होता है पूर्वा और एक होता है करवा। करवा में जाकर वो फिर उसमें वो आ गया चंद्रमा को, उसके अनुसार देखना चाहिए, क्या कहते हैं वो चाकर चलनी से खाने देखते वाले को चंद्रमा को। कौन? अरे मैंने ये क्या भाई, तो भाई ये कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? और चौथ माता भी बना दी इन्होंने, जबकि वो शुद्ध रूप से गणेश जी का चतुर्थी का व्रत होता है। तो धर्म के नाम पर समाज को ऐसा मतलब पागलों की तरह सब पीट पीट के, मूर्खता मूर्खता की तरह। महाभारत कहाँ चला गया पता नहीं, वाल्मीकि रामायण बोले नाम ही नहीं सुना है हमने,
उपनिषद बोले वो पता ही नहीं क्या होता है। बोले ब्रह्म सूत्र कितने को पता है बताओ, इतने जितने भी लाइव में बैठे होंगे 300 251 में से कितनों को ब्रह्म सूत्र पता है? शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, इतना बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तुम लोगों ने कभी पढ़ा ब्रह्म सूत्र क्या होता है? कभी हमारे लाइव सुन लेना, ब्रह्म सूत्र पर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, बीच में फिर वो रह गया ब्रह्म सूत्र। जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो हमारे धर्मशास्त्र है, वो नहीं पढ़ना। ये नए नए धर्मशास्त्र कहाँ से खड़े हुए, ये और ये चीजें कितने प्रचलित हो गई। अब उधर वो संतोषी माता, फिर वो शिरडी के साई बाबा, इनके साई चरित्र, इनको कोई शिव अवतार घोषित कर रहा है, कोई इनको दत्तात्रेय जी का अवतार, तो कोई समर्थ स्वामी जी का अवतार। भाई किस धर्म ग्रंथ में लिखा? किसी तो साई बाबा इतने अगर महान कोई होते तो किसी तो पुराण में वर्णन होता उनका जी। समाज में ये चीजें जो है, और क्यों? क्योंकि टीवी में इन्हीं का चल रहा है ना। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का प्रचार किया, न तैलंग स्वामी जी इनको पता है, न लाहड़ी महाशय पता है, न महावतार बाबा पता है, न स्वामी योगानंद पता है, न स्वामी रामकृष्ण परमहंस पता है, न समर्थ रामदास स्वामी पता है। ये इन्हीं लोगों पे जाते, कि कोई बाहर से आएगा ना महाराष्ट्र में जाना है तो कहाँ जाता है वहां पे। तो जो चीज जिसका जितना ढोल पीटो वो भगवान, ये स्थिति है। धर्मशास्त्र कोने में जाके पढ़ फेंक दिए इन लोगों ने, और इसीलिए आज हमारे सनातन धर्म की दुर्गति है कि लोग भूत प्रेतों से बाधाग्रसित होकर यहाँ वहां दरबारों में अपना जो है अपना मान सम्मान धन सब गवाते घूम रहे, और यज्ञ भूल गए, जप भूल गए। जबकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम, ये पावन करने वाले हैं, ये पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ तप और दान वो छोड़ के तुम लोग जो है यहाँ वहां के देवी देवताओं में घूम रहे हो, ये मूर्खता, इसी को कहते हैं अधर्म। धर्म अधर्मम धर्मम मन्यते, अधर्म को धर्म मानते हैं। तो ये सारा चीज है। ये सब क्या हो जाता है भाई, जब भी हम इन भूत ये सब तामस चीजें के बारे में कुछ बताता हूं तो बस ये शुरू कर देते अटैक जी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि समाज में ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत तरीके से प्रचलित हो गई है। शीतल अष्टमी का मतलब होता है, शीतल शब्द से समझिए, शीतल से संबंध उसका बासी से संबंध नहीं है, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, शीतल भोजन करना चाहिए, ये उसका संकेत है व्रत में, ठीक है। एकादशी के दिन एकादशी का नारायण 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 न तो कोई नारायण की उपासना करे, न लक्ष्मी की उपासना करे, कोई इतना इतना प्रेम और इतना इतना जो है भाव अगर लक्ष्मी जी के प्रति होता। महालक्ष्मी जी का व्रत किसी को पता नहीं है, वहां महाराष्ट्र में महालक्ष्मी जी का पीठ है, भगवती रुक्मिणी जी महालक्ष्मी जो विदर्भ में अवतरित हुई थी वहां कोई नहीं जाता। और यही सब जगह पे पहुंच रहे लोग, सनातन धर्म के लोगों की बुद्धि पर पता नहीं कौन सा पत्थर पड़ गया है। आजकल गुरुदेव करोड़पति बनाने के तो बहुत सारे आइडिया, तुम्हारा इंटरनेट गड़बड़ है भैया वहां से। चलो अभी कोई प्रश्न हो देख, तो मेरा मेरा कहने का मत, मेरा जो तात्पर्य समझाना था मैंने समझा दिया जी। और कोई प्रश्न हो तो देख लो, देखते हैं गुरुदेव। इस विषय में किसी का कोई जिज्ञासा हो प्रश्न हो वो तो देख लो जी। गुरुदेव देख रहा हूं।
गुरुदेव, शीतला माता जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया अभी। जो चेचक की बीमारी न हो, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदिका, जो आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की बीमारी ना हो, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जब नवरात्रि का पहला दिन होगा, तो नीम के 5 कोमल पत्ते और 5 जो है मसूर के दाल के दाने, उनको मिक्स करके खाना चाहिए। शीतला माता एक उपदेवता है, शास्त्रों का वर्णन आता है, वो चेचक आदि महामारी के प्रतीक मानी जाती है और विशेष परिस्थिति में उनकी उपासना की जाती है। उनके मंदिर आदि स्थान बनाना और ये इनका ये सब ज्यादा करना, ये सब मूर्खतापूर्ण प्रचलन है। ये सब चीजें, बासी भोजन आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बासी माता नहीं, वो शीतला माता है। इतना तो कम से कम समझ, इतना सा बात समझ में आ जाए कि शीतला नाम से ही समझ जाना चाहिए कि हमें शीतल आहार खाना ग्रहण करना चाहिए, ये बासी भोजन नहीं, क्योंकि बासी भोजन के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में इसको मना किया गया है और ये शुभ नहीं माना गया है। शीतला जी से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एक अलग सब्जेक्ट पे है गुरुदेव। जैसे घटते चंद्रमा कृष्ण पक्ष के दिनों में साधना हमें करनी चाहिए देख या नहीं लो, करनी चाहिए? एक ने रेखा शर्मा है, इन्होंने कहा, गुरुजी आपने सत्य कहा, शीतला माता है, बासी माता नहीं, लेकिन प्राचीन जमाने से लोगों ने पुरानी किताबों में कथा पढ़ने से के कारण बांसवाड़ा का प्रारंभ कर दिया, बसोड़ा का प्रारंभ कर दिया, लेकिन जिन पुस्तकों में पढ़ा है उन पुस्तकों का वर्णन आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये पुस्तक किस ऋषि मुनि ने लिखी और कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ये बात। अगर कहीं सच में किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो बात मान लो, शिव जी को भांग और धतूरे की बात आज हमारी चल पड़ेगी, तो किसी ने कहा कि नहीं गुरु जी शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा तो नशा करता है, तो उसने कहा कि गुरु जी एक जगह लिखा हुआ है शिव महापुराण में, तब मैंने कहा कि वो धतूरे के पुष्प की बात आ रही है, उसमें सारे अनेक प्रकार के पुष्प का वर्णन है, सभी अनेक वृक्षों के वर्णन है जिसके पुष्प भगवान को चढ़ने चाहिए, पत्र चढ़ाने चाहिए। मैंने कहा बीज जो नशा उत्पन्न करता है वो कहाँ उसमें लिखा हुआ है, तो पुष्प को रक्त दंड धतुर ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो उसको धतुर मतलब धतुर का फल समझ लिए, भांग का तो उसमें वर्णन ही नहीं है। हाँ, भुवनम भय भंग व्यसनी नहा, तो भंग व्यसनी ने को लोगों ने भांग व्यसनी ने बना दिया। भुवनम भय भंग व्यसनी नहा का अर्थ होता है 14 भुवनों के भय को भंग करने का व्यसन है, इन्होंने सोचा कि इनको भांग पीने का व्यसन है, और भगवान शंकर जी को फोटो में भी वैसा दिखाया जाता है, कभी चर्चा करेंगे इस पर भी, कि वो भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ऐसा शिव जी के भी, भगवान शिव जी के जो है वो फोटो भी बनाए जाते हैं। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहाँ लिखा है, इन नशेड़ियों ने, इन मूर्खों ने, ये तामसी लोगों ने भगवान के ऐसे विकृत स्वरूप को खड़ा कर दिया है कि समाज को ये समझ ही नहीं पाते, समाज समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में सत्यता क्या है, वो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ये सब तामसी बुद्धि के लक्षण है, और ये तामसी बुद्धि के लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब ये बासी भोजन करते हैं, तो वो शीतला माता है, बासी माता नहीं है, शीतल आहार करो, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। और ये शीतला माता की मूर्ति, शीतला माता जो होती है एक एक जिसे कहते हैं ना, एक वैकल्पिक या तात्कालिक उपासना करने के लिए कई देवियों की उपासना होती है, जैसे महामारी है, महामारी आती है तो महामारी देवी का भी उपासना होती है, तो महामारी देवी की तुम घर घर में मूर्ति बनाओगे क्या? अब किसी ने कहा कि नहीं गुरुजी वह किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखी है, बस यूं ही किसी ने
किसी ने द्वारा बनाई गई है। अरे यूं ही का मतलब क्या होता है? यूं ही कोई आ गया गधा घड़ा घोड़ा और तुम चल दिए, कहाँ का रोड़ा और कहाँ का जोड़ा, क्या है तरीका है ये सब? हमें अपने धर्म और ऋषि मुनियों का आचरण करना चाहिए ना। मूर्खों की तरह करोगे तो अधर्म के पथ पे चल पड़ोगे। तामसी देवी देवता तुम्हारे घरों में बैठ जाएंगे, भूत प्रेत पूजने लग जाओगे, तामसी बुद्धि होगी। बासी आहार नहीं करना चाहिए ना। भगवत गीता में भगवान कह रहे ना, भगवत गीता से ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? मैं तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। पूती परियुषितम चयत, उसमें लिखा ना परियुषितम माने बासी दुर्गंध युक्त, ये भोजन नहीं करना चाहिए। ये तामसी आहार होता है, अति तीक्ष्ण उष्ण अति गर्म ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे दुख उत्पन्न होता है। ऐसा काम क्यों करते हो जो तुमको दुख और परेशानी का हो? देवी देवताओं की उपासना आहार व्रत सुख के लिए होते हैं, प्रीति सुख विवर्धना। ऐसा ऐसा आहार करो, दुख शोक आमय प्रदा वाले जो रोग उत्पन्न करने वाला, शोक उत्पन्न करने वाला, दुख उत्पन्न करने वाला आहार नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता में लिखा गया है। हरियाणा में गुरुग्राम की अधिष्ठात्री देवी शीतला माता, पता नहीं किसने ने अधिष्ठात्री बना दिया, किस धर्म ग्रंथ के आधार पे तुम लोग ये सब करते हो भगवान जाने। और इसीलिए समस्या समाज में, अच्छा ये सारी जो विषय मेरे सामने कल आया, मुझे पता चला, मैं बस वही है, भगवती की भी क्या इच्छा है, माँ भगवती पता नहीं क्या चाहती है कि सारी बात मेरे पास आ जाती है और मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ जाता हूँ कि क्या हो रहा है ना। तो कोई मतलब किसी का भगवती बगलामुखी के प्रति घर में इतना भाव नहीं है कि चलो भाई हम बगलामुखी माता की जो है 10 महाविद्या है, सबको पता है, त्रिपुर सुंदरी है, मातंगी है, भगवती तारा है, भुवनेश्वरी माता है, भुवनेश्वरी उनका एक अक्षरी मंत्र है, सारे भुवनों की ईश्वरी है, सारे भुवन की ईश्वरी है, उनकी मूर्ति बनाने की किसी को भाव नहीं उत्पन्न होता है। ये बुद्धि कहाँ जा रही है तुम लोगों की? इतनी सारी देवियां हैं, भगवती दुर्गा है, दुर्गा जी के कई नव रूप हैं, गौरी है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कात्यायनी है। कात्यायनी देवी की उपासना करो भाई, शास्त्रोक्त तो उपासना करो, जो नव दुर्गा है, नव दुर्गाओं में उपासना है, कात्यायनी देवी की उपासना विवाह के लिए की जाती है। कात्यायनी शास्त्रोक्त तो देवता है, कात्यायन ऋषि द्वारा वो उनकी उपासना की है। मुझे किसी ऋषि का नाम बता दो जिन्होंने शीतला माता की उपासना की गई हो। ये एक विशिष्ट अवस्था में इनकी पूजा की जाती है, मानता हूँ चेचक आदि रोग होता है तो उसमें की जाती है, परंपरा है, शास्त्रों में भी इसका विधान है, उपदेवताओं में इनका वर्णन आता है, उपदेवताओं में कई गंधर्व और यक्षों का भी वर्णन आता है, कुबेर जी को भी उपदेव नाम आता है। तो जहां आवश्यक है, जिस परिस्थिति में आवश्यक है, वहां उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्थापना थोड़ी की जाती है। अब आपने कुबेर जी के कितने मंदिर देखे हमारे देश में, कि कुबेर जी धन के देवता है, तो हम लोग मंदिर लक्ष्मी जी का बना देंगे, कुबेर जी का बना दे, बताओ लक्ष्मी जी का ही बनता है कुबेर जी का? मैं तो देवता है तो शास्त्रोक्त है, उनकी आराधना करो, उनकी स्थापना करो, उनकी पूजा करो, जिनका शास्त्र विधि विधान हो। ये मूर्खों को भी नहीं पता हुआ कि भाई कौन से मतलब उनका मंत्र क्या है। ये हमारे देश में इतना पाखंड फैल रहा है और हमारे धर्माचार्य मौन होकर बैठे हुए हैं, बोलना नहीं चाहते। कौन जनता का जो है वो अपने सिर पे ले, लोग जा रहे भेड़ बकरी की तरफ गलत दिशा में, अधर्म के मार्ग पे जा रहे, तो जाने दो उनको, धर्म भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, कोई चिंता नहीं है। किसी ने कहा गुरुजी घर के मंदिर में नर्मदे से शिवलिंग पर पूरे दिन जल टपकता रहना चाहिए या बस सुबह ही जल चढ़ा दे वही काफी है? जो सुबह ही जल चढ़ा दो एक बार वही पर्याप्त है। गुरु जी आपने मेरे मैसेज अभी पढ़े, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। मेरे पति 2 साल पहले देहांत हो गए और उनकी एकादशी को उद्यापन करने की बहुत इच्छा है थी, वह मैं कर सकती हूँ क्या? हाँ कर सकती है, यदि ऐसे कोई पति है जो आपके उनकी कोई कामना है, शुभ कामना है, तो उसको पूर्ण करना चाहिए और कर सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये परंपराएं जो है ना, मुझे समस्या क्या है कि परंपरा इतनी चल रही है, तो वही तो हमें खोजना है ना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं,
हम शास्त्रोक्त मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है कि अधर्म के मार्ग पर है, हमें ये चिंतन करना है। और आप शीतला माता की अष्टमी को मत मनाओ, ऐसा मेरा कहना तो नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आप शीतला माता की उपासना करो, अष्टमी को उनकी पूजा कर लो, कौन मना करता है। लेकिन उसकी पूजा करने का विधान ये है कि आप उनको शीतल आहार उनको खिलाओ, बासी आहार नहीं है, प्रातःकाल आप बनाओ, पर ये रात्रि में भोजन बनाओ। और अभी मैं एक बार मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं गया था जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा मेरी पुरानी फोटो भागवत कथा वाली जी। जम्मू में गया था भागवत कथा करने के लिए। तो वहां भागवत कथाकार अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश को मैंने देखा वहां पर, यही देखा कि वो रात में बैठ के पैक लगाते हैं, देसी वो उधर का देसी हो चाहे विस्की पता नहीं क्या है। मैंने कहा कि वो रात को मेरे पास भी लेके, बोली यहाँ तो सब लोग पीते, महाराज आप भी ले लो। मैंने कहा कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ और ये सब अपना जो करना है करो। भागवत कथा किसी तरह हमने वहां पूरी कर दी। ठंडी का क्षेत्र, दिसंबर नवंबर दिसंबर में भागवत कथा करने जाते थे। अब भंडारे का दिन आ गया, तो बोले कि गुरुजी भंडारा हमारे यहाँ होता है, चावल और दाल बनती है, चावल या राजमा बनाते हैं या चावल या दाल बनाते हैं। ठीक है, तो बोले वो बनेगा रात को, रात को बनाएंगे। तो बोले सब लोग बनाएंगे, लड़के लोग। मैंने कहा रात का बनेगा और फिर सुबह क्यों बटेगा। और बोले वो सब बनाएंगे तो सब शराब पीकर बनाएंगे, क्योंकि रात को जागना पड़ेगा उनको ठंड में, क्योंकि रात में ठंड है तो शराब पीकर जागेंगे और रात में बनेगा। मैंने अगर चावल और दाल बनेगा, बांटोगे तो न जाने भगवान का प्रसाद है वो, न जाने कितनी जगह पे गिरेगा, पैर पड़ेगा, अपमान नहीं होगा, और रात में बनाओगे बासी और भगवान को भोग लगाओगे सुबह। बोले गुरु जी यहाँ तो ऐसी ही परंपरा चलती है। मैंने कहा देव भाई तुमको अगर अपनी परंपरा मनानी है तो मेरा अभी टिकट बनाओ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, और तुमको जो परंपरा निभानी है वो करो। पूरा गांव एक तरफ हो गया, गुरु जी यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा मेरे सामने। बोले यहाँ 10,000 लोग, अरनिया गांव है, अरनिया सेक्टर जम्मू में, आप कभी देखना, सर्च मारो, बॉर्डर है वो पाकिस्तान के, वो कभी जाऊंगा मैं उस गांव में पुनः। 3 भागवत कथा उस गांव में मैंने की थी, तीन वर्ष में लगातार गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही परंपरा हमारे। मैंने परंपरा है तो गलत है ना, भगवान को भोग लगाओगे, रात का बासी भोजन लगाओगे और वो भी शराब बनाकर पियो, शराब पीकर तुम बनाओगे, ये नहीं होगा हमसे। तो बोले गुरु जी इतने लोगों के लिए सुबह कैसे बनेगा। मैंने वो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और हमने पूड़ी सब्जी बनाई, पूड़ी सब्जी बुनिया और जो भी मतलब सलाद वगैरह होता वो बनाया मैंने सुबह। महिलाओं को सम्मिलित किया, सबको बुलाया मैंने, अपना चौका बिलन लेकर और सब लोग बनाओ मिलकर सामूहिक रूप से। और पूड़ी निकालने के लिए वही सब वहां कर, हर व्यक्ति वहां मिलिट्री और पुलिस में होता है तो उनको पूड़ी निकालना आता है। मैंने कहा तुम ही लोग पूड़ी निकाल, मैं हलवाई वगैरह सब वाला काम नहीं, भक्त भगवान को भोग लगाना है तो भक्त बनाएंगे ना। अब वो हलवाई ये पता नहीं वो शुद्धता के साथ बनाता है कि नहीं, कैसे बनाता है, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने जिन्होंने भागवत कथा सुनी वही बनाएंगे। और हमने वो उस पूरे क्षेत्र में भागवत कथा करवाई, भंडारा भी करवाया। और बोले कि गुरु जी भंडारा हमारे यहाँ होता है तो जब भंडारे का जो ये चावल और दाल बनता है तो सब लोग अपने पॉलीथीन में भर के घर घर खाते हैं, या लाइन लाइन लगा कर अगर कोई नहीं बैठता। मैंने कहा कि सब लोग लाइन में बैठ कर खिलाऊंगा मैं सबको, ये नहीं चलेगा कि कोई उठा के लेके जाएगा। मैं देखता हूँ कैसे, मैंने ट्रैक्टर की ट्रैली में पूरी दो दो तीन तीन ट्रॉली जो है ट्रैक्टर में पूरी से भर गई। बच्चों लोगों को लाइन में बैठाया मैंने, किसी ने भी उस पूरी को आठ बजे से आरंभ करके और 12 बजे तक पूरा भंडारा तैयार करके दिया। पूरी सब्जी बना, सब कुछ व्यवस्था हुई और बहुत अच्छा भंडारा हो गया। उसके बाद वो परंपरा हमने बंद ही करवा दी एकदम। माना कि फिर उसके बाद एक दिन एक बार भंडारा हुआ तो कुछ भागवत कथा हुई अंतिम वर्ष में, तो उन्होंने जो दक्षिणा बच गई थी तो कहा कि गुरु जी बाकी जो हमारी दक्षिणा हमें दे दी और बाकी तो बोले बच गई, तो वो बोले कि नहीं हम लोग वैष्णो माता का दर्शन करने जाएंगे। बाद में पता चला कि वैष्णो माता का दर्शन करने जाते थे ये लोग तो शराब पी कर जाते थे। बस उसी वर्ष से मैंने, इनके लोग सुधरने वाले है नहीं, एक दिन इनके ऊपर जब तक हो गए। और उसके बाद अरनिया गांव में खूब वहां से बम गिरने लग गए, फिर पाकिस्तान की तरफ से अरनिया सेक्टर में बड़ा बमबारी होती थी, तब उधर के क्षेत्र में वैसे ही भागवत कथा, फिर पता नहीं क्या वहां का पोजिशन है, मैंने उधर से लोगों संबंध ही बंद कर दिया। तो जो परंपरा गलत है तो उसका हम समर्थन कैसे करें। रात को शराब पीकर तुम भगवान का भोग लगाओ और वो बासी भोग तुम भगवान विष्णु को लगाओ, सात्विक, वो सात्विक माना जाएगा।
तो समाज में ये सब चीजें गलत परंपराएं, समाज को गलत परंपराओं की तरफ ढकेला जा चुका है। ये नई नई पुस्तकें, मतलब पुस्तक कहां से है, यूं ही किसी ने बना दी है, कहां से बनी, किधर से बनी, नहीं मिला, ऐसे ही चल रहा है। ये सब गलत है ना, आज तक तो कोई बताने वाला नहीं मिला, बोलने वाला नहीं, तो तुम लोग गलत हुआ जो गलत परंपरा है। भी प्राचीन काल से मतलब, प्राचीन काल मतलब ऋषि मुनि काल वाला होता है। ये बीच में ही हमारे, हमें सनातन धर्म से भटकाने के लिए ये सारे बीच में छोटे मोटे ग्रंथ ऐसे बनाए गए और भटकाए गए। तो आप शीतला अष्टमी को मनाओ, लेकिन शीतल आहार कराओ, सात्विक भोजन कराओ, उनको कोई समस्या नहीं है, शीतला माता नाराज नहीं होने वाली है तुम लोगों से। ये भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि नहीं रात को बासी भोजन बनाएंगे और शीतला माता को देंगे और तभी शीतला माता प्रसन्न होंगी, ये मूर्खतापूर्ण प्रचलन बंद करो। और ये डर कर भक्ति मत करो, शास्त्र शास्त्र युक्त भक्ति करो, श्रद्धा युक्त भक्ति करो, भय युक्त भक्ति नहीं करना चाहिए। देवताओं की उपासना श्रद्धा और धर्म युक्त करो, धर्म शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार करो, श्रद्धा के अनुसार करो। जो भी श्रद्धालु आज लाइव को सुन रहे हैं, वो एक बात को सदैव ध्यान रख ले कि जो आप भक्ति करते हो भगवान की, किसी भी देवी देवता की, वो धर्मयुक्त होनी चाहिए, वो श्रद्धा युक्त होनी चाहिए, भय युक्त नहीं होनी चाहिए। भय से भक्ति मत करो, श्रद्धा से करो, धर्म धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उस धर्म ग्रंथों का अनुसरण करते हुए वो आप भक्ति करो, ये ध्यान रखना है आपको। अधिकांश लोगों में यही होता है, डराया जाता है, ये देवता नाराज हो जाएंगे, वो देवता नाराज हो जाएंगे, और भय भय से जो भक्ति करते हैं वो उसका परिणाम शुभ नहीं आता है। और ये जितनी भी परंपराएं गलत जो डाली गई है, तामसी तमस की ओर हमें जो ढकेला गया, तमस की ओर हमें अग्रसर किया गया, उसका परिणाम ये है कि आज घर घर में ये सब भूत प्रेत पूजे जा रहे हैं, घरों घरों में भूत प्रेत बैठ गए हैं। अब वो भूत प्रेत भी देवता बनकर अभी हमारे पास आए हुए, एक राजस्थान से श्रद्धालु कहते कि उनके घर में भी कोई वो प्रेत है, कहता वो हमें हमें बैठाओ यहाँ पर, हमें हम कहीं नहीं, मुक्ति मुक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको देवता बन के पूजना है यहाँ पर। ऐसे ही बैठाए जा, ऐसे ही बैठाए गए। तो ये सब चीजें जो है नहीं होना चाहिए। और मैं जो बात अभी देखिए, एक उसमें रोहित महर्षि कोई है, कहते इन्होंने कहा कि गुरु जी ने सही कहा है और हम सभी देशवासियों को इनका साथ देना चाहिए और जो हमारे साथ हो रहे भेदभाव को रोका जाना चाहिए और ये सारे जो इसके विषय में भी चल रहा है कि वीआईपी दर्शन आदि को विषय को लेकर भी इन्होंने प्रश्न किए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी परंपरा है धर्म के नाम पर, जो तामसी बुद्धि के प्रभाव में आकर रची गई है, जिसमें भगवद्गीता में कहा गया है कि धर्मम अधर्मम धर्मम या मन्यते, जो अधर्म को हम लोगों ने धर्म मान लिया है उसको हमें समाप्त करते हुए धर्म के मार्ग पर, जो वास्तविक धर्म है, उस दिशा में हमें अग्रसर होना चाहिए। तो इसलिए व्रत कर रखो, व्रत रखो, शीतला माता का व्रत मत करो ऐसा हमारा कहना नहीं है, करो लेकिन शास्त्रोक्त तो विधान के अनुसार करो। ये बासी भोजन करना और ये बासी भोग लगाना ये शास्त्रोक्त तो विधान नहीं है। ये बसोड़ा नाम का जो पर्व है वो एक मूर्खतापूर्ण पर्व है। शीतला माता है तो उनको शीतल आहार कराइए और शीतला अष्टमी से शीतल आहार करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का पर्व आरंभ हो जाता है, गर्मी आरंभ हो जाती है। तो शीतला अष्टमी से हमें शीतल आहार की तरफ अग्रसर करने के लिए एक संकेत संकेतात्मक ये उपासना है। और धीरे धीरे हमारे समाज को तमस की ओर इतना अग्रसर कर दिया गया है, तमस के क्षेत्र में लोगों को ऐसा ढकेला गया है कि लोग आज तामसी बाधाओं से, तामसी प्रेत तत्वों से, तामसी तत्वों से ग्रसित होते जा रहे, प्रभावित होते जा रहे, पूरा क्षेत्र और समाज एक प्रकार से प्रेत भूमि बना देने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप कल्पना करिए, मान लीजिए कोई एक आध खेत हो और कि उस खेत में आप 10 सवों को काट दीजिए कोने कोने पर, अब वो भूमि कैसी मानी जाएगी, शुद्ध मानी जाएगी या पवित्र, कैसी मानी जाएगी, पवित्र भूमि मानी जाएगी वो,
इसमें 10 सव गाड़ दिए जाए। तो ये सव गाड़ने की परंपरा हमारे देश में जब से आ गई है तब से हमारे देश में ये प्रीत तत्व का प्रभाव बढ़ गया। शंख बजना बंद हो गए, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गए, और इन तामसी पूजा, तामसी देवता, ये भूत प्रेत और ये सब इन तामसी चीजों का वर्णन हमारे उसमें जीवन में लाने का प्रयत्न किया गया और हमें धर्म से भटकाने का प्रयत्न किया गया। जो मूल शास्त्रोक्त तो धर्म परंपरा है उसका हमें पालन करना चाहिए, जिसका शास्त्रों में वर्णन है। बाकी आप लोग सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। हरियाणा और राजस्थान में लोकल गायकों ने गाने का गाकर लोगों में बनाया। हाँ यही हुआ है, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कई माताएं प्रकट हो गई जिनको खूब पूजते नवरात्रि में, खूब भीड़ लगती वहां पे, 10-10 लाख इधर आते, और उन माताओं से भी मेरा कभी किसी के शरीर में आ गई तो हमने मेरी चर्चा हुई है। अभी एक हमारे इधर बनारस में एक देवी है, इधर कभी आप कभी वाराणसी स्टेशन के पास आओगे तो एक शंभू माता करके है, लहरतारा पुल से पहले ही पड़ता है उनका मंदिर, इधर से जाएंगे लहरतारापुर की तरफ तो बाएं हाथ पर। एक बार मेरी उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मुर्गे उर्गे कहाँ चढ़ते, वो सब किसी ने बांध दिया था, हम गए तो खुल गया उनका बंधन। तो कहा, फिर मैंने पूछा, भाई ये सब क्या मुर्गी उर्गी कैसे चढ़ाते हो आप लोग, ये क्या है? बोले, गुरु जी हम तो नहीं खाते हैं, मतलब महात्मा जी कह रहे थे, महात्मा जी हम तो नहीं खाते लेकिन लोग चढ़ा देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो बोले कि नहीं हम नहीं करते लेकिन ये सब लोग चढ़ा देते, पता नहीं मूर्खता बस। तो ये स्थिति है। ऐसे हमारे क्षेत्र में एक और देवी जी है, सती माता है, उनको भी किसी के एक बार किसी के शरीर में आई हमारे सामने तो हमने भी उनसे वार्तालाप किया, वही स्थिति, खूब भीड़ लगती वहां पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ठीक है, ये सब चीजें प्रचलन जो तमस प्रचलन जो बढ़ गया है इसके कारण ये समस्या बढ़ रही है और निरंतर समस्या बढ़ती जाएगी यदि हमने शास्त्रोक्त तो देवी देवताओं की स्थापना नहीं की, उनका पूजन नहीं किया और हम निरंतर तमस यदि तमस की ओर बढ़ते रह गए तो ये विनाश की ओर, तमस विनाश की ओर ले जाता है। तो तामसी देवताओं की उपासना त्याग कर तामसी आहार, तामसी देवताओं की उपासना, प्रेतान भूत गणाशान यजंती तामसी जनाहार, ये जो तामसी लोग हैं ये प्रेत और प्रेतों की उपासना करते हैं, उधर मन चला जाता है, सात्विक देवदेवता में जाएगा नहीं मन। इसलिए सात्विक आहार करने वालों को सात्विक देवदेवता की उपासना करनी चाहिए और उन्हीं व्रतों को करना चाहिए जो शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में जो विधान दिया हुआ है, धर्मशास्त्रों में जो विधान दिया हुआ है उन्हीं धर्म ग्रंथों का हमें अनुसरण करते हुए ये व्रत आदि करने चाहिए। बाकी किसी ने सुनी सुनाई कथा, सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमें ये व्रत आदि नहीं करना चाहिए। यही समझाने के लिए हमने ये सारा विषय रखा है। नहीं, आप करो शीतला माता की उपासना करो, सब शीतला शीतल आहार कराइए, प्रातःकाल आप आराम से भोजन बनाइए, शीतला माता कोई नाराजगी नहीं होने वाली है, और आप दूध जैसे चावल दही का भोग लगा सकते हैं, ये सात्विक आहार उनको खिलाइए तो ऐसा ठीक है। देवी माता को प्रसन्न कर धूप दीप अगरबत्ती दिखा दो, पुष्प आदि चढ़ा दो, जैसे सामान्य पूजन करते वैसे कर दो, लेकिन रात को बासी बना के आप सुबह खाना ये मूर्खता है। ये बसोड़ा नाम का जो शीतला अष्टमी का व्रत रखो, ये बसोड़ा कहाँ से आ गया ये मुझे नहीं पता भाई, ये बसोड़ा का व्रत ये मूर्खता का प्रचलन है। शीतला अष्टमी ठीक है, बापू शीतला अष्टमी है तो मनाइए, शास्त्र में जो जिसका जैसा वर्णन दिया वैसे मनाइए, ये बसोड़ा वाला जो मैटर है ये मूर्खता का पूर्ण मैटर है। आप इसको समझिए और ये जो बासी भोजन करोगे तो ये तामसी और प्रेत आपके घरों में प्रवेश करेंगे, तमस आपके अंदर प्रवेश करेगा, तामसी तत्व आपके अंदर प्रवेश करेंगे। ये तामसी तत्वों के द्वारा प्रेरित ये कोई परंपरा है जो गलत परंपरा है, जो धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है। मुझे पता है कई लोगों को तो झटका लगेगा ये सुनकर, लेकिन कई वर्षों की परंपरा है, लेकिन जो गलत है तो गलत है। अब जैसे हमने बताया जम्मू कश्मीर की बात बताई कि आपको कि वहां पर वो लोग रात्रि में शराब पीकर तो भगवान का दाल चावल बनाते थे और फिर वही सुबह भागवत महापुराण के भगवान विष्णु को भोग लगाकर वही प्रसाद में बांटते थे। अब जो भागवत महापुराण का भंडारा हो और शराब पीकर कोई भोजन बनाए और फिर रात को बनाए और सुबह खाए तो वो चीज़ हम जो है गलत परंपरा है। तो हमने सदैव गलत परंपराओं का जो शास्त्रोक्त परंपरा है, मेरा जो उद्देश्य है
समाज को अपने धर्मशास्त्र की ओर अग्रसर करना है, हमें भगवद गीता के अनुसार अनुसरण करना चाहिए ना। ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम मिहारसि, ये भगवद गीता में लिखा है कि शास्त्र का विधान जानकर तब करना चाहिए। तो ये यदि ये काछी पुत्र की कथा, ये राजा की कथा, ये लीलावती कलावती की कथा कौन से धर्म ग्रंथ धर्म शास्त्र में है, ये पहले आप सोच लो। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मैं अभी आने वाले समय में स्कंद पुराण में भी कई चीजें जो है गलत जोड़ी गई है, और वो मैं आपको प्रमाण के साथ एक दिन ये बताऊंगा, कुछ बातें ऐसी आई है। क्योंकि पुराणों में, इतिहास पुराण में जब भी किसी का वर्णन आया है तो उस परंपरा का वर्णन बताया गया कि अगर कोई राजा था तो राजा कौन, किसका पुत्र, कहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ, उसके पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, उसके पिता कौन थे, ऐसा वर्णन दिया हुआ है। जिसका न अता न पता, जो सब सच में है लापता, ऐसे लोगों के बारे में इनको शास्त्र प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ये सिर्फ लोगों को घुमाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचे गए थे जो हम लोग भटक गए। तो ऐसी चीजें जो अधर्म शास्त्र के विपरीत हैं उसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने कई विषय पर बोला है अब तक। और वो जो बातें रखी हैं वो शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर रखी है। अगर आपको लगता है कि हम शास्त्र के अनुसार हमें जीवन जो शास्त्र अगर विधान के अनुसार हम चलकर हमें हमारा उद्धार होगा, तो आप शास्त्र विधान के अनुसार चले, भगवद गीता की बात माने। भगवद गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके आचरण करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त करते होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आपको शास्त्र का विधान जानकर ही शुभ कार्य करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। और इस चक्कर में एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि लोगों को अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा, भगवद गीता का पता नहीं है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को गीता जयंती पता होगी, गीता भगवद गीता कब जो है मनाई जाती है, और भगवद गीता जिस दिन होती है, जिस दिन गीता जयंती होती होगी कितने गीता भगवद गीता लोग पढ़ते होंगे। ये जितना ये लोगों के अंदर, क्योंकि भय है ना, लोगों को डर पैदा किया गया, नहीं तुमने शीतला माता का अगर उपासना नहीं किया, बासी भोजन नहीं खाया तो तुमको चिचक का रोग हो जाए, डराया जाता है ये लोग। इन मूर्खों को पूछना चाहिए कि तुम किस आधार पर बात करते हो, नहीं इनको पता होता है किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, किस धर्म ग्रंथों, धर्म ग्रंथों का आधार देना चाहिए। तो शीतला माता की पूजा पद्धति किस किस कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि रात को बासी भोजन करना चाहिए। शीतला माता का उद्देश्य शीतल आहार, शीतला शीतल, उसको जो है शीतलता प्रिय है वो, ये बासी प्रिय नहीं है वो। जैसे चंद्रमा है वो शीतलता शीतलता का प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे भगवती जो भी शीतला माता उपदेवता होने के कारण शीतलता को प्रिय है, शीतलता प्रदान करने वाली है, शीतलता को महत्व देने संकेत देने के लिए एक प्रेरक देवता के रूप में उनका उल्लेख होता है, ये हमें समझना चाहिए। लोग बासी आहार करते हैं, जो कि शास्त्र में बासी आहार को मना किया गया है, ऐसा कौन सा विधान होगा धर्मशास्त्र में जो बासी आहार के लिए कह देगा। ऐसे शिव जी के नाम पर नशा करने के लिए कहा जाता है, कोई धर्म ग्रंथ नशा करने के लिए कहेगा। कोई भी ऋषि मुनि किसी धर्म ग्रंथ में भांग धतूरे का नशा करने के लिए कह सकता है। आप कल्पना करिए, ऐसा विचार करिए कि क्या कोई ऋषि मुनि ये कहेगा कि भाई तुम नशा किया करना, शराब पियो, मांस खाओ, नशा करो, कोई धर्म ग्रंथ में ऐसा आ सकता है, कोई ऋषि मुनि ऐसा कह सकता है। जिससे पतन होता हो, जिससे नाश होता हो, जिससे दुर्गति होती हो, ऐसा कर्म कोई हमारे धर्म ग्रंथ में आएगा, धर्मशास्त्र में आएगा। ये चीजें समझनी है, और आगे आपको हमने समझा दिया, आगे आपकी इच्छा। नारायण नारायण नारायण। और देखो अभी पता नहीं नवरात्रि में आएगा, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, बोले गुरु जी वह कलश रखा जाता है, फिर उसके बाद भगवती की आराधना करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, तो व्रत कैसा रखना चाहिए कि साबुदाने की खिचड़ी खाओ, कुट्टू के आटे के जो है वो रोटी बना के खाओ, सामा के चावल की खिचड़ी बना के खाओ, और सब ये मूंगफली तल के खाओ, तला, ये सब चीजें खाने से बास, ये कोई आहार है, ये कोई व्रत है। फलाहार के नाम पर आजकल नमकीन आ गया, पैकेट में बाजार में बिकने लगा। अरे फल फलाहार का मतलब फल का आहार, बाजार में जो फल उपलब्ध है, दूध केला है, सेव फल है, अंगूर है, वो खाओ,
पैकेट में आ गया फलाहार, तला हुआ चीजें, जितनी भी तली हुई चीजें जो व्रत में खाते हैं वो व्रत नहीं करते हैं, वो व्रत के नाम पर अपना सत्यानाश करते हैं। व्रत में अगर आप व्रत रखते हो और आप तला हुआ कुछ खाते हो तो आप व्रत का सत्यानाश करते हो, चाहे फिर मूंगफली तल के खाओ या कुछ भी तल के खाओ। फलाहार है, दुधाहार है, अरे ज्यादा कुछ नहीं व्रत रहा जाता है तो एक समय भोजन कर लो, एक समय भोजन छोड़ दो, तो कम से कम एक भुक्त व्रत होता है, एक भुक्त यानी एक समय भोजन नहीं करना, उसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। जल का आहार हो गया, फल का आहार हो गया, दुग्ध आहार हो गया, ये होते व्रत। नहीं जी, हम तो खूब तल के खाएंगे, आलू तलेंगे तो फिर वो मूंगफली तलेंगे, व्रत है ना भाई, शरीर को पेट को हल्का रखना है। व्रत का उद्देश्य क्या है कि शरीर को वो जो तमस ना आए, आलस ना आए, पूरे दिन भगवान का भजन हो, भगवान की भक्ति हो, निद्रा ना आए, इसलिए कम भोजन करना, हल्का आहार करना, उसको व्रत कहते हैं। व्रत के नाम पर दुनिया भर की ये कुट्टू के आटे का रोटी बनाकर खाओ और ये सामा का चावल खाओ, मतलब जब कान पकड़ना है, जब सीधे सीधे ही ऐसे पकड़ना था तो ये ऐसे पीछे घुमा के करने का क्या मतलब है, सीधे ही पकड़ लो फिर, ऐसा क्यों व्रत रखना। उसे तो अच्छा है कि आप कच्चा फल भी, कच्चा आ रहे सूखा मेवा खा लो, थोड़ा बहुत कच्चा फल खा, जैसे कि कच्ची चीजें खा लो, आलू उबालेंगे फिर उसमें मूंगफली डालेंगे, खूब खाएंगे फिर दबा कर, तो कहेंगे हम व्रत में हैं। ये समाज को नहीं, अपने आप को मूर्ख बनाना है, अपने अपने व्रत का सत्यानाश करना है। और इससे अच्छा तो कि भाई कम से कम हम भी कभी कभी क्या है कि हम लोग बोलते गुरु जी आप एकादशी का व्रत नहीं रखते, मैंने कहा भैया हम क्यों व्रत रखें, हमारा पूरा जीवन ही व्रत में है, एक ही समय खाते हैं, तो हम तो प्रतिदिन हमारी एकादशी है, तो तुमको ऐसी एकादशी करनी है, वो भोजन के व्रत एकादशी के दिन खूब 2-2 लीटर दूध पी जाते लोग, एक एक दर्जन केला खा जाते हैं, वो खूब ठूस कर खाते, जिस दिन एकादशी जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन ज्यादा भूख लगेगी उनको, ऐसे तो 4 रोटी नहीं खाएंगे, और जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन जो आता है सब पेट के अंदर, ये सब चीजें ठीक नहीं है। व्रत रखने, व्रत का मतलब होता है पेट को हल्का रखना, तो जो शास्त्र में विधान दिया है वैसा व्रत करना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है। ये जो परंपराएं के नाम पर और शास्त्रीय विधि विधान के नाम पर, कई लोगों ने वैभव लक्ष्मी का व्रत खूब रखते थे पहले, मुझे लगता है कि यहाँ जो बैठ सुन रहे होंगे तो सारे वैभव लक्ष्मी का नाम सुने होंगे, संतोषी माता का व्रत रखते थे शुक्रवार को, वैभव लक्ष्मी का व्रत, बताओ कौन से धर्म ग्रंथ में वैभव लक्ष्मी लिखा है। ये चीजें हमको धर्म से, अपने धर्म से विमुख करने के लिए, मूल जो हमारा धर्म है, व्रत है, परंपरा है, उससे विमुख करने के लिए ये पाखंडियों के द्वारा, कलयुग से प्रेरित लोगों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा ये सब चीजें मायाजाल हमारे लिए रच के खड़ा कर दिया, और हम भटक गए अपने मूल धर्म ग्रंथों से। अब फिर अपने प्रेत लटक रहे उधर, और अब हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं लटकने की। जब तामसी जीवन जिएंगे, तामसी देवताओं की उपासना करोगे, तो मृत्यु के बाद तामसी योनि में जाओगे, प्रेत योनि में जाओगे। इसलिए हमें समझना चाहिए हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। गुरु जी बताए माला के संस्कार के विषय में बताइए, क्या आवश्यक होता, मैं नहीं साधक। ठीक है, चर्चा करेंगे इस विषय पर। वैभव लक्ष्मी पर भी वीडियो बनाए गुरु जी, अब वैभव लक्ष्मी है ही नहीं तो क्या बनाऊं मैं वीडियो उस पे, तुम लोग खोज के लाओ वैभव लक्ष्मी कहाँ है, कौन से धर्म ग्रंथ में है। महालक्ष्मी भी बना दिया है, महालक्ष्मी व्रत है, महालक्ष्मी अष्टक बता दिया है मैंने, और भी बता देंगे जो भी लक्ष्मी जी से संबंध, संतान लक्ष्मी बता दिया मैंने, राज्य लक्ष्मी होती है। हाँ, ये वैभव लक्ष्मी कहाँ से आ गई, अष्ट लक्ष्मी में भी नहीं आती है वैभव लक्ष्मी। मैंने वैभव लक्ष्मी पर उसमें केवल माँ लक्ष्मी की महिमा दी है, कुछ कुछ गलत वैसे नहीं है। अरे गलत नहीं है वैभव लक्ष्मी वाले में, लेकिन वो वैभव लक्ष्मी जी का नाम पर गलत चीजें समाज में फैलाई गई, उसमें कोई साधना पद्धति गलत है, उसमें
उसमें श्री यंत्र की फोटो हुआ करती थी बचपन में हमारे घर में, वैभव लक्ष्मी की पुस्तक होती थी उसमें श्री यंत्र की फोटो है। तो कितनों को पता है श्री यंत्र की देवी वैभव लक्ष्मी, श्री यंत्र की जो है श्री यंत्र की देवी कौन है, वो तो त्रिपुर सुंदरी है, महालक्ष्मी तो अलग हो गई। तुम लोग वैभव लक्ष्मी के चक्कर में महालक्ष्मी को भूल गए ना, महालक्ष्मी को क्यों नहीं पूज रहे हो? भगवती महालक्ष्मी है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये मूल प्रकृति है जो शास्त्रोक्त देवी देवता है, उनके स्तोत्र भी है। वैभव लक्ष्मी का किसी ऋषि मुनियों के द्वारा कोई उपासित देवी देवता है क्या? वो उन्होंने वैभव लक्ष्मी व्रत किसी ऋषि मुनि ने रखा, वैभव लक्ष्मी कोई मंत्र बताया, वैभव लक्ष्मी कोई स्तोत्र बताया? तो जो ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं दिया गया है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है, जिनका कोई स्तोत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, विनियोग नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसे देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब जो होगा जितना हमसे पता चलेगा ठीक है। गुरुजी चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करनी चाहिए, नवरात्रि के विषय में भी हम लोग लाइव लेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अगर यदि यदि मेरी बातों से समर्थन तो आपको है, समर्थन में दे रहे हो, तो आप लोग नारायण नारायण लिख दीजिए और फिर आज का लाइव इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत आवश्यक है कि चीजें जो है समाज में। अब देखो ये किसी ने अघोर लक्ष्मी जी के बारे में बताया, गुरु जी अब खोजते हैं अघोर लक्ष्मी जी कहाँ से हैं। तो जो समर्थन में है वो नारायण लिखे, जो समर्थन में नहीं वो ठीक है। चलो बस इतने लोग हैं, दो चार दस लोग भी हो गए तो बहुत है, कम से कम समझ तो आया किसी के। धन्य हो। यदि हम लोग 10 लोगों को भी समझा पाए, 100 लोगों को भी समझा पाए, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय बहुत धर्ममय हो। बस मैं आप लोगों को किसी भी देवी देवता की उपासना करो शास्त्रोक्त पद्धति से करो, बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ। ये जो हम लोगों ने गलत परंपराएं और गलत साधना पद्धतियां जीवन में लेकर आए हैं, इससे ये नुकसान ये हुआ है कि मूल देवी देवताओं के नाम की जगह दूसरे देवी जो प्रेत और अन्य जो राक्षस है वो आपके पूजा को ग्रहण करते हैं। जैसे शीतला माता को आप बासी आहार कराएंगे तो शीतला माता की जगह कोई दूसरी ही माता आके ग्रहण कर लेगी, क्योंकि वो तो बासी है। कोई भी देवी कोई भी देवता बासी आहार ग्रहण नहीं करता है, ये प्रेत ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, शीतला माता जो है वो देवी है, तो देवी को दो, देवी को नारियल चढ़ाइए उनको, भाई शीतल होता है नारियल चढ़ाइए, धूप दीप अक्षत गंधक पुष्पों से पूजन करिए, भोग लगाना हो तो चावल दही का भोग लगाइए, ये इसको मना नहीं है मेरी, ये शुद्ध सात्विक पद्धति से करें। लेकिन बासी अगर आहार आप भोग लगाएंगे रात को बनाकर रखेंगे तो वो कोई प्रेत पिशाच मसानी घर में घुसकर वो खा जाएगी, तो तुम्हें देव तुम्हारे देवी देवता पता नहीं कहाँ कोने पड़े रह जाएंगे। तो अशास्त्रीय और अशास्त्रोक्त उपासना करने का दुष्परिणाम ये होता है कि उन देवी देवताओं के स्थान पर प्रेत पिशाच राक्षस मरी मसानी ये आकर वो ग्रहण करते हैं और आपके देवी देवताओं को वो प्राप्त नहीं होता। आपके घर में सकारात्मकता आने की जगह नकारात्मकता आती है और धर्म की जगह आपकी बुद्धि अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर होती है, बुद्धि तामसी होने लग जाती है। तो आप सभी को शुभ आशीर्वाद। जो लोग नारायण कहें समर्थन दिए और माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप शीतलाष्टमी मनाओ, शीतला माता का मंत्र होता है जो भी है उसमें दिया हुआ है, अब मैं लाइव में बोल नहीं सकता, वो माला आप कर सकते हो, एकाध मंत्र उनका जप लिया करो। बस जैसे भी कोई देवी किसी देवी का मंत्र नहीं पता हो तो उनका नाम के आगे आई लगा के अंत में नमः लगा दीजिए और आगे कोई रीम या ओम बीज लगा के बस हो गया मंत्र। इस प्रकार से उनको प्रणाम करते एकाध माला जप लीजिए और सात्विक भोजन सात्विक आहार कराइए। ये बासी भोजन जो आप लगाते हो वो देवी को शीतला माता को नहीं जाता है, ये कोई प्रेत पिशाच मसानी ले जाती है।
गुजरात वालों की बात आती है, उधर के मैंने देखा कि अब आजकल वो मसाने को खूब पूजने लग गए। राजस्थान की गति आपको पता ही है, हरियाणा में वालों का भी वही हाल हो रहा है धीरे धीरे। हरियाणा में भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण वहां पे कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए, और वो हरियाणा पूरा भगवद गीता के विपरीत आचरण करता है। भगवद गीता किसी के कितने हरियाणा वालों को भगवद गीता आती हो? हरियाणा में कुछ लोगों से मिले तो सबसे पहले उसे एक पूछा करो, भैया एक आध श्लोक सुना दो भगवद गीता का। तो वो अपने धर्म से मार्ग से भटक गए हैं। हमारा धर्म ग्रंथ भगवद गीता है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, वेद है, उपनिषद है। उसमें यदि कोई कई व्रतों का वर्णन है, 18 पुराण दिए हुए हैं, उसमें कई प्रकार के व्रत आते हैं। ये उल्टे सीधे व्रत जो है वे मतलब कि जिसका कोई वर्णन नहीं ऋषि मुनियों के द्वारा, ऐसा करके आप प्रेत और पिशाचों को आप निमंत्रण देते अपने घरों में। इसीलिए मैं इन सब चीजों का खंडन कर रहा हूँ और आपको सन्मार्ग दिशा की तरफ ले जा रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रेत पिशाच और इन सब चीजों के चक्कर बाधाओं से ग्रसित न होना पड़े। लोग इतने बाधा ग्रसित हो रहे, समस्या ग्रसित हो रहे, प्रेत योनि में जा रहे, अकाल मृत्यु हो रही घरों में। तो मैं खुद स्वयं बड़ा चिंतित हूं कि इस प्रकार से समाज को जो है इस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाए। तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग मिल रहा है, आप जो है सद्मार्ग पर जाइए। तो ये बांसवाड़ा वगैरह मत मनाइए, शीतला अष्टमी मनाइए। तो शीतला अष्टमी से शीतल आहार उनको कराए, शीतल आहार करिए, दूध जैसे चावल दही छाछ मंठा, उधर वो जो अब हरियाणा में चलता ही खूब, वो लीजिए। भगवान भगवान को भी वही भोग लगाइए, वो जो खाते हैं वही भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये बासा और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे ठंडा आहार का मतलब बासा आहार, ये मूर्खतापूर्ण चीज गलत हो गई। शीतला माता है तो ठंडे ठंडा आहार करना, शीतला है तो ठंडा, ठंडा मतलब बासा, ऐसा नहीं होता। ठंडा मतलब ठंडा होता है, बासा मतलब बासा, बासी चीज मतलब तामसी। शीतल जो है जैसे मान लीजिए नारियल का पानी शीतल होता है तो सात्विक है। आप मटके का पानी पीजिए, सुबह शरबत बना के, दूध दही है, ये ठंडा होते हैं, शीतल होते हैं, ये है शीतल आहार। ये इनका भोग लगाइए, भगवती आप पर प्रसन्न रहेगी। और ये सब ये नहीं करना चाहिए अशास्त्रीय। हेलो, किसी ने और एक नई माता का नाम लिया, पता नहीं दशा माता कहाँ से आ गई। देखते दशा माता ये कौन माता है भैया, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेके आइए कितनी माता जी है और देख लेता हूँ, एक पता करते इनका दशा माता कौन है। जितना भी ये सब चीजें आ रही है ना समाज में धर्म की, हमें धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम्, धर्म शास्त्र पढ़िए। ये है शीतला अष्टमी का व्रत, आप शीतला अष्टमी मनाओ, उसके लिए मेरी कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये बसोड़ा जो है ना, ये बासी चीजें खाना, शीतल शीतल आहार खाइए। शीतल भगवती माता को शीतलता प्रिय है, वो शीतलता की देवी है, तो शीतल आहार करिए। शीतल आहार दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाइए, उनका जप करिए, उनको जो है वो उनका व्रत रखिए, वो कोई मना नहीं है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप 5 नीम के कोपल मसूर की दाल के साथ, 5 ऐसे मसूर के दाने लेना है और 5 नीम के कोपल लेना है, वो खाना चाहिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। क्योंकि जब ये ऐसे ही जो गर्मी के दिनों में जिनको अभी किसी को पैर के तलवे में परेशानी थी, तो उनको गर्मी के दिनों में उनके पैर के तलवा जलता था वैसा, तो कई प्रकार की दवाइयाँ और वो प्रयोग करते थे पर फायदा नहीं होता था। हमने एक उपाय बताया कि देखो गर्मी के जैसे ये होली का समय आता है तो पलाश के फूल, केसौड़ी के फूल भी बोलते बहुत से लोग, वो उसी समय क्यों निकलते हैं, होली के समय में ही। क्योंकि होली के बाद जो बीमारियां होने वाली हो उसका समाधान उस फूल के अंदर है, इसीलिए वो प्रकृति वो उसी समय प्रकट करती है। जामुन जिस काल में आता है उस काल में जो बीमारियां होती है कषाय रस की उस समय आवश्यकता होती है शरीर को, इसलिए जामुन समय आता है। तो ये जो केसुड़े का फूल होता है, जो पलाश का फूल होता है, इसको कूच कर उसका रस निकाला जाता है और उसको पानी में डालकर स्नान करते हैं। वास्तव में जो होली खेली जाती थी वो रंग से नहीं खेलते थे पहले, हमारे समय में भी हम भी जानते हैं
यही केसुड़े का ही शुद्ध रंग और गुल ये सबसे इससे खेला जाता था। और आप देखो, आप कभी भी उससे आप स्नान करके देख लीजिए, आपको गर्मी के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आपके पैर में तलवे में जलन होती हो तो वो रस निकाल के उसका पैरों के तलवे में लगाइए, उसको कूच कर जो है पानी में घोल कर उससे स्नान कर लीजिए। ये जो पलाश के फूल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और इधर गुजरात क्षेत्र में बहुत होते हैं, जो कि भगवे कलर का निकलता है जो फूल होता है। तो जो रोग जिस समय होना होता है उसी समय, या भविष्य में कोई रोग होने वाला हो उसी काल में होने वाला, तो उसी काल में उसकी औषधि प्रकृति निर्मित कर देती है। तो ये एक रहस्य है, प्रकृति को समझना पड़ेगा। ऐसे ही जो व्रत होते हैं हमारे, ये जितने भी व्रत है पर्व हैं, ये व्रत का भी एक अलग महत्व होता है। शीतकाल में जो भी व्रत होते, जितने भी पर्व आते हैं वो सब खाने पीने वाले होते हैं, और वर्षा काल में चातुर्मास बिल्कुल एक ही समय भोजन करो, नियम संयम से रहो, क्योंकि उस समय पूरी तरह से हमारे शरीर का जो रस आदि कमजोर हो जाते, पाचन शक्ति मंद हो जाती है। और इस समय थोड़ा ये जो अभी गर्मी का समय आएगा, ये तो इस समय बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उसका आहार अलग करना चाहिए। तो ऋतु के अनुसार जो है हमें आहार करना चाहिए। इसीलिए एक शास्त्र में आयुर्वेद में एक सूत्र है, वो याद आ गया मुझे अभी, एक सूत्र है, आपको पता हो लिख लेना ये कभी सूत्र, ऋत भूक हित भूक और मित भूक, ये सूत्र है, नाम सुना होगा कभी आपने, सर्च करके देना। ऋत भूक मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करो, मित भूक मतलब थोड़ा भोजन करो, अल्पाहार करो, जितना जैसे लगे कि पेट भर गया, ठूस ठूस कर नहीं करना, जैसे लगे पेट भर गया है तो दबा के फिर उसके बाद मत खाओ कि फिर बाद में आपको पेट पर तनाव पड़े। हित भूक मित भूक ऋत भूक, ये तीन सूत्र है स्वस्थ जीवन के। ये सूत्र सदैव ध्यान रखना, ये जिसने सूत्र याद रखा वो कभी जीवेम शरद सतम, 100 वर्ष तक सुखपूर्वक स्वस्थ पूर्वक जीने का सूत्र है हमारे ऋषि मुनि, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी रहे ये भावना के साथ। तो उन ऋषि मुनियों ने एक सूत्र दिया है, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, ऋतु काल जैसा जो ऋतु होता है। तो अगर आप किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए हमें कैसे ज्ञान होगा, तो आप निरोगधाम पत्रिका पढ़ा करो, इंटरनेट पे भी आजकल उपलब्ध है उनकी पत्रिकाएं, बहुत अच्छा है। डॉक्टर प्रेमदत्त पांडे जो थे, मैं बचपन से ही उनको पढ़ता था, तो बहुत मुझे आयुर्वेद का ज्ञान मुझे उससे मिला बचपन से ही, आयुर्वेद का हमें बचपन से ही बड़े रुचि रही है। तो उसमें ऋतु के अनुसार वो कैसा हमारा आहार विहार होना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुखः, तब ये जो आपके कर्म है दुख का नाश करने वाले होंगे जब युक्त आहार विहार होगा। आहार विहार में गड़बड़ी करते हैं, जिस काल में जो नहीं खाना है वो खाते हैं, तो हित भूक मित भूक और ऋत भूक, ये सूत्र आप लोग स्मरण रखिए और स्वस्थ रहिए। तो आज अचानक जो है हमें भी सूत्र ये स्मरण हो गया, हम पहले हमें किसी ने ऐसे सुनाया था तो हम सुनते थे ऐसे सूत्र, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यदि हम लोग जितने सब तुम लोग ये जितने बड़े हॉस्पिटल बढ़ रहे, उतनी सारी बीमारियां बढ़ रही, लोग किसी किसी का क्या क्या समस्याएं आ रही है, सब लोग परेशान ही परेशान चल रहे। आप एक वर्ष तक में, हम लोग नए नए साधु बन गए थे तो खूब समय पर खाते नहीं थे, और कुछ हमें गलत आदत है भोजन करने की, ज्यादा भोजन करते थे, बार बार करते थे, समय से नहीं होता था, समस्या आती थी। तो हमें कुछ समस्या पेट की हो गई थी, तो हम कुछ भी नहीं, हमने सारी चीजें छोड़कर बस केवल थोड़ा सा मोटा जो आटा होता है, जो एकदम पिसा हुआ नहीं, थोड़ा जिसमें भूसी हो ऐसा आटे से रोटी, और मूंग की दाल छिलके वाली, और सेंधा नमक डालकर बस वही उबालना, उसमें सेंधा नमक डाल दिया जाता था, और बस वही रोटी के साथ 40 दिन तक खाया, उसके बाद जो पेट की बीमारी खत्म हुई तो फिर जीवन में कभी नहीं। तो हमारे आहार विहार में ही ये सब चीजें, ऋषि मुनियों के सूत्रों में ही
ये सारे समाधान दादी माँ के नुस्खे हम लोग पहले सुनते थे, वो सारी चीजें हम लोग भूल गए, और अब जो है ये सब आ गया हमारे पास, का सी विटामिन किस में है तो डी विटामिन किस में है, तो ए बी सी डी के चक्कर में हम लोगों ने अपनी जो मूल संस्कृति परंपरा संस्कार समाप्त कर दी। तो ये आप सूत्र समझिए और जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें, और इसे देखो, एक भावना देसाई जी उन्होंने कहा है कि सभी श्रद्धालुओं को एक अभियान के रूप में फालतू खर्च खर्च से बच बंद करने चाहिए, और बचाए बिना जरूरी खर्च करने की जगह दान करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, यज्ञ दान और तप ये कर्म मनुष्य को पवित्र करते हैं, ये करना चाहिए। तो आप लोगों हमने तो अपना कार्य कर दिया, और आप भी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका जो कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी बीमारियां केवल आध्यात्मिक साधना करने के बाद उनको अब औषधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, छोड़ दिया उन्होंने वो सब चीजें, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे कई प्रमाण है, मैं आपको कभी उन लोगों के इंटरव्यू लूंगा मैं आने वाले समय में, देखते हैं समय मिलता है, कई लोगों का लाभ हो रहा है। अब सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अनेक लोगों का लाभ हो रहा है, और इसमें कोई शुल्क नहीं है। आप सात्विक आहार करो, ये व्रत जो आप रखते हो, व्रत में जैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी माना जाता है, लेकिन एकादशी का मतलब ये है कि आप अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना है, 10 इंद्रिया और 11वां मन इसको नियंत्रण में रखना है, उस दिन जो है आहार नहीं करना चाहिए। आहार भी करते भी तो एक समय में एक भुक्त रखो, नहीं तो फिर फलाहार करो। और ये सारे जो नई चीजें जो परंपराएं आ गई है, इनसे आप बचेंगे, आपका धन भी बचेगा। देखो, आप आहार के नाम पर लोग मान लीजिए व्रत रखते थे, हमें उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का हमने पढ़ा था कि जब हमारे देश में जब संकट आ गया अन्न का, तो एक समय उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया, और पूरे देशवासियों से व्रत रखवाया अन्न को बचाने के लिए। तो अन्न तो बचा ही बचा, सब लोग स्वस्थ भी हो गए, कई लोगों की बीमारियां तो दूर हो गई। तो कहते हैं लंगनम परम औषधम, आयुर्वेद का सूत्र है कि जो है व्रत रखने से एक औषधि का कार्य करता है, परम औषधम माना गया है। तो इस प्रकार से आप व्रत रखेंगे तो आपकी कई बीमारियां बच जाएगी, और जो आपके जो आपका धन जो है व्यर्थ के रोगों के इलाज, शरीर का भी नाश, धन का भी नाश, समय का भी नाश। तो ये सब अगर आप शास्त्रोक्त ऋषि मुनियों के नियम से चलेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जीवन जीवेम शरद सतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ आयु जी सकते हैं। अभी भी हमारे संपर्क में ऐसे हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो 70-75 वर्ष की आयु में चले गए, 80 वर्ष की आयु में है और पूर्ण स्वस्थ जीवन जी रहे, कोई औषधि नहीं, कोई दवाओं की आवश्यकता नहीं उनको, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों के नियमानुसार प्रातः काल उठना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, सात्विक आहार करना, ये सब चीजें, रोग उत्पन्न करने वाले आहार नहीं करना चाहिए। दुख शोक आमय पदा, जो आहार है जो भगवद गीता में बताया गया है, उन आहारों का हमें त्याग करना चाहिए, तो हम लोग कई प्रकार के समस्याओं से, कष्ट और बाधाओं से बच जाएंगे। तो ये तामसी आहार क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा था, बासी आहार इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि बासी आहार जब आप घर में रखोगे, खाओगे, तो ये तामसी चीजें प्रवेश करती है, तामसी लोग जो प्रेत आदि वो ग्रहण करते हैं और उनका आगमन घर में होता है, तो इससे घरों में नकारात्मकता और क्लेश आदि ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। अधिकांश लोग जो धर्म से विमुख हो गए, वो आहार ही अशुद्ध हो गया लोगों का। जो समस्या जो है मूल रूप से आज भूत प्रेत पिशाच, कुछ भी समस्या समझ लो, शरीर का रोग है, आलस है, तमस है, कुछ भी समझ लो आप, जो भी बीमारी है, इसके मूल में यदि आप जाएंगे, इसके मूल में ये तामसी आहार है, ये तामसी आहार ग्रहण करने के कारण ही ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। और इसीलिए मैं इस जो है मूर्खतापूर्ण परंपरा का खंडन करता हूं, और जो शास्त्रोक्त पद्धति से आप शीतलाष्टमी को का व्रत मनाओ, यही मैं आप लोगों को संदेश देता हूं। तो आज इतना ही, नारायण नारायण नारायण।